جی السلام علیکم جی، ایک منٹ دیں، آئی ول بی بیک. لیں جناب، میں آ گیا. لیٹ می ٹرن دی اے سی آن. آ گیا میں آرام سے بیٹھ. اس کو میں روز کہتا ہوں کرسی کا ٹائر ٹھیک کرے. اوکے جی، جناب علی، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپورک پہ کام کریں گے، اور سوالات جوابات میں بالکل نہیں لوں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو سوال جواب پہ لگ گیا تو پھر جس کام کے لیے ہم سارے بیٹھیں گے وہ پورا نہیں ہوگا. لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیٹنگ ہوتی کیسا. اچھا، صرف 5 منٹ. What time is it now? Still 2 minutes to go, so I can take actually 5 minutes. راؤدیل کا بھی سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. دیکھیں، اتنی بڑی مارکیٹ پلیس ہے کہ ایک مرجر ہے، یہ اٹ از اے مرجر آف ای لرنس اینڈ او ڈیسک. اب یہ دونوں انڈیپینڈنٹلی بہت بڑی بڑی سائٹس ہیں، جیسے فری لانسر ہے، گرو ڈاٹ کام ہے. جب دونوں کا مرجر ہو گیا تو کلائنٹ بیس بھی آ گئی. اور دوسری بات،
अगर आप ग्रुप पे गूगल पे जाइए और इसको मैं निकाल दूं यार, ये कौन सी वीडियो ऑन हो रही है? ओके, ये मैं मैच देख रहा था, 89 एशेस, इसको मैं तो पॉज कर देता हूँ। कोई भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस ना एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, जितने भी आप देख रहे हैं कोई एडवर्टाइजमेंट पे जोर नहीं लगाता। गुरु है वो नहीं लगाता, फाइबर है वो नहीं लगाता, माफ कीजिएगा, अपवर्क इज द ओनली फ्रीलांस मार्केट प्लेस व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड के जो पैसे लगाती है गूगल पे एडवर्ड्स पे। हालांकि इनको जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट है, पर फिर भी इन ऑर्डर टू गेट इन टू द कंपटीशन वो लगाती है पैसे, इसलिए अपवर्क बाय फार द बेस्ट। और फिर जब इन्होंने पैसे लगाना शुरू कर दिया ना कनेक्ट पे, वो तो काम और ज्यादा बेहतरीन हो गया। इसलिए क्या वो ही बिडिंग करेगा जिसका सीरियसनेस शो होगी, जिसने वाकई काम लेना है, जिसने वाकई पैसे बनाने हैं। वो जो कचरा है ना, जो मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ कि जिसका लेना देना कोई नहीं है फ्रीलांसिंग से, वो किसी भी वजह से इंस्पायर हो गया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में दो किस्म के नेशनल प्रोग्राम्स हैं, नेशनल और प्रोविंशियल, उनसे सीख सूख के आया और उसके बाद उसने मसल आजमाई करना शुरू कर दी। वो जरूरी नहीं कि वो कामयाब होगा, उसको बोलना आता नहीं है, उसको लिखना आता नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी बड़ी माठी है, तो ये सारा का सारा वैसी कंपटीशन से आउट हो जाएगा और सिर्फ जो है ना क्रीम रह जाएगी, क्वालिटेटिव क्रीम, हु एक्चुअली वॉन्ट टू मेक मनी ऑन द अकाउंट। दैट बीइंग सेड, अभी हम जो बिडिंग करने जा रहे हैं जी, एक तो यार इसकी नोटिफिकेशनों को पता नहीं कहाँ से बंद कर दिया, ये हमारा बड़ा मसला रहता है जी इंस्टाग्राम और फेसबुक का, कि एक सेकंड में हमारी बैटरी ड्रेन हो जाती है, इतने वो आ रहे होते हैं नोटिफिकेशंस। मैं तो सारा वक्त मोबाइल इंटरनेट बंद करके रखता हूँ ताकि मेरी बैटरी ना ड्रेन हो। अच्छा, दैट बीइंग सेड, मैंने बताया था कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े थे जब लास्ट टाइम मैंने लाइव बिल्डिंग की थी, उस पैसे को मैंने पार्शली विदड्रॉ कर लिया अपने बैंक में, और विड्रॉ करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने इसके अंदर ही लगा दिया ना। आई बॉट कनेक्ट्स, आई बॉट मेंबरशिप, सो आई वांट टू सी द डिफरेंस। आई मीन राइट नाउ इफ आई लुक एट एनी बेड यू विल सी जनाब मेरे पास अवेलेबल कनेक्ट 214 हैं। अच्छा जी, 214 का मतलब है कि अब दो किस्म की कनेक्ट्स मिलती हैं आपको, एक आप दो किस्म की बिड्स साइजेस मिलते हैं आपको जी। एक आपको मिलता है, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन अराउंड 4 का, और एक मिलता है आपको 6 का। सो अगर मैं 4 के कनेक्ट्स वाले पर प्रोजेक्ट पे ही बिड करूंगा इन 214 अवेलेबल कनेक्ट्स को लेके, तो जी मुझे 53 बिड्स मिलेंगी, 53 बिड्स। नाउ आई वांट टू सी कि अगर इन 4 कनेक्ट वाली बेतहाशा बिड्स मैं कर पाऊं 53 प्रिसाइसली, इस नए कनेक्ट सिस्टम से क्या फर्क पड़ता है। ये सारी एक्सरसाइज मुझे करनी थी, जिसमें मैं अकेले नहीं काम करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आप भी प्रोसेस का हिस्सा बन जाएं, आप भी देख लें, क्योंकि मुझे लिखना होता है, मुझे फ्रीलांसिंग से ज्यादा इसको कवर करना होता है अपने ब्लॉग में। अभी तक तो बड़ा हनीमून पीरियड चल रहा है, मैं जो लिखता हूँ वो गूगल भी उठा लेता है, और गूगल न्यूज में आपने अक्सर देखा होगा कि बीगुन की पोस्ट फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अमूमन हर दूसरे दिन पिक होती है। अपवर्क भी बड़ा खुशी खुशी रीट्वीट करता है, पर जरूरी नहीं है कि जो मेरी सोच है वो वाकई सही हो। क्या पता मैं 53 बिड्स करूं मुझे जवाब ही ना आए, फिर ये मानना मेरे लिए भी जरा मुश्किल है कि मुझे फ्रीलांसिंग नहीं आती, मतलब बुढ़ा हो गया मैं एक ही काम कर करके, अगर अभी भी नहीं आती तो फिर गलत बात है, तो फिर मैं लिखूंगा। इट्स माई राइट, आई हैव गॉट अ ह्यूज प्लेटफॉर्म टू वॉइस माई ओपिनियन। यार इतने मैंने पैसे खर्च कर लिए, अब ना ना करते हुए भी मैंने कोई 60-70 डॉलर खर्च किए होंगे सिर्फ 50 बिट्स के लिए। 20 डॉलर जी मिलती है, 20 या 30 गालिबन एजेंसी की भी प्रोफाइल, और बाकी मैंने कुछ 40 डॉलर शायद मजीद लगाए थे टू बाय कनेक्ट इन ऑर्डर टू गेट टू दिस 200 पॉइंट, एंड नाउ आई वांट टू सी इफ इट वाज वर्थ इट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सवाल का जवाब मैंने दे दिया जी, अब हम सवाल जवाब नहीं लेंगे। और जी बिल्कुल जी, आपका राइट है, इसकी रिकॉर्डिंग करें, मेरा
मेरी बात याद रखिएगा अली शहरोज और बाकी तमाम दोस्त, मेरा जो भी कंटेंट आपको मेरे पेज पे इस ग्रुप में, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी हुए कंटेंट की बात नहीं कर रहा, या मेरी प्रोफाइल में या मेरे ट्विटर में, आपका राइट है, आप उसको जिस तरह मर्जी लीजिए, कोई इशू नहीं, आप उसको अपनी वॉल पे रखें, मुझे अमूमन क्रेडिट की भी जरूरत नहीं पड़ती और ना मुझे फर्क पड़ता है, वे बियॉन्ड ऑल दैट कि मैं छोटे छोटे बच्चों की तरह लड़ता हूँ, ओ मेरी वीडियो तुमने चोरी की, मैं तनु छटा मार, वे बियॉन्ड दैट फेज, जो करना करो। अच्छा जी सर, हाउ टू गेट ब्लू वेरीफाइड टेक ऑन अपवर्क? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो अपवर्क वेरिफिकेशन के लिए वो एक आई थी प्रॉम्प्ट मैसेज, इधर आता होता था एक पट्टी सी, उसको मैंने भेज दिया है, अब पता नहीं कब उसको अप्रूव करेंगे क्या करेंगे। आज ग्रुप में भी किसी एक ने लिखा है कि अप्रूवल मिल गया है उन साहब को, सो आई थिंक इट शुड बी इजी बीन्स, लेट्स जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स, लेट द ऑडियंस बिल्ड, क्योंकि मैं जल्दी आ गया था, मैं अच्छा बच्चा बन गया ना, वक्त से पहले आ जाता हूँ। अच्छा ये हंसी किसको आ रही है, पहले तो मुझे यह देखना लो, इतनी सीरियस बात अभी तक तो मैं हंसा खुद नहीं हूँ, माय गॉड ये कौन सा वाला है, शुएब का बूट सा, ये तो अपना ही बन गया। ओके सर, बेटिंग का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, क्या किया जाए, बहुत गमगीन समस्या है मेरे दोस्त, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, और जो मैं करने जा रहा हूँ अगर आप उसको गौर से देखें तो एन मुमकिन है आपको जवाब आ जाए। लो जी 100 बंदा जमा हो गया हमारा, आओ फटा करने चलते हैं, 100 बंदा बहुत होता है, अगर मारने पे आए तो बहुत सारा काम हो सकता है। यू कांट टेक द चाइल्ड आउट ऑफ मी, इनबॉक्स मैसेज किया था सर, सर बिल्कुल किया होगा, मैं नहीं देखता, मैं 100 में से एक इनबॉक्स देखता हूं, अगर गलती से एक दफा जवाब दे दूं उसके मतलब नहीं कि मैं बार बार जवाब दूंगा, दे दिया बहुत है। आपको जो सवाल है आप इनबॉक्स पे लिखें, ग्रुप में लोग आपको जवाब दे देंगे जी, मैं जरूरी नहीं कि मैंने ही जवाब देना है, आज भी एक दोस्त ने मेरी परेशानी समझ के ग्रुप में लिखा था कि क्या जरूरी है कि मुझे हर चीज पर टैग किया जाए, ठीक है ऑन शुरू हो जाए जी। सो दिस इज अपवर्क, वी गॉट अ हैंडफुल नंबर ऑफ कनेक्ट्स, कम से कम मैं 6 तो आज यूज करूंगा, 6 चाहे मैं 10 मिनट में यूज करूं चाहे 1 घंटे में यूज करूं, गौर से सुनिएगा, मुझे जो जो नजर आया मैं उस पर बिट करूंगा, जो अच्छा लगा मैं उस पर बिट करूंगा, जाहिर है पैसे लगे हुए मेरे तो ये तो नहीं है कि मैं आर्टिकल राइटिंग वगैरह इन कामों पर करूँ, अगर आपको वो बिट्स देखनी है तो आप मेरी गुजारिश है कि इस ग्रुप में वीडियोज के सेक्शन पे क्लिक कीजिए, आपको मेरी बेतहाशा डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन सब की बिट्स नजर आएंगी। फॉर नाउ आई डोंट थिंक आई विल बी वेस्टिंग माय कनेक्ट्स ऑन दोज बिट्स, बट बिट सीखना हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ प्रोजेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपकी यू नो स्पेसिफाइड नीच पे बिट करूं, इट रियली डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आपको समझ लग जाए कि रिस्पॉन्स कैसे देना है, फिर आपकी जो भी नीश हो, जो आपकी जो भी एक्सपर्टीज हो, स्किल हो, आप जवाब देने के काबिल हो जाएंगे, बस इस पे आपने फोकस करना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे पकड़ूंगा सर वर्डप्रेस, और ये क्या जी वर्डप्रेस सिंपल मैंने पिक किया जी, फुल टाइम डेडिकेटेड एसईओ एक्सपर्ट नहीं जी मैं नहीं करूंगा, प्लग इन मैं नहीं करूंगा, ऑनगोइंग वर्डप्रेस डेवलपमेंट फाइनेंस बैंकिंग वेबसाइट, वी आर एन ऑसम न्यू स्टार्टअप टू ramp up content for new bank. Okay, that's fine. I'm not going to do that. There's another plugin. There's a photography website on WordPress and the guy's got, this looks good. This looks neat. Because featured job means kisne paise diye hain ji. Iska payment method automatically verified hoga, jo aap right side pe dekh rahe hain, jisko maine highlight kiya hai. Switzerland mein ye sahab rehte hain ya sahiba hain. Aur featured ka matlab hota hai ki inhone एक्स्ट्रा बैज लगवाया है ताकि लोग इनके प्रोजेक्ट्स पे बिड करें। तो आए 2 मिनट के लिए पढ़ते हैं क्या चाहते हैं। He says that I am a dedicated amateur photographer and would like to have my own website. The site should present my portfolio, different projects, contact information and myself. No order function or chase possibility. The site should be realized WordPress. Installed and handed over to me so that I can maintain it myself in the future. I am a dedicated amateur photographer and would like to have my own website. It would be present. It should present my portfolio. Yeah, basic stuff. I mean,
I don't want to read that further. The site should be real. Okay. So, and then he's given a few, you know, samples, and he says that he's got a URL as well. So what I'm going to do is I'm going to ask a question. That URL does not essentially means that he's got hosting as well. URL is different, which is the domain name, and hosting acquisition, that's different. So I'm going to throw a question here alongside an offer that I want to give him free markup. The project budget looks pretty exciting for a WordPress nowadays. I mean, gone are the days when I used to do simple PhD for 500. So, wo vak chale gaye. Hai ji, dekhte hain ab aage kya inhone kiya. Okay, so yahan pe isne kuch naya chal chala hai. Infomest, select a freelancer. Okay, main apna naam hi le leta hu. And there you go. So it's going to consume 4 connects. Theek hai, 4 connects is good. I'm not going to waste my energies in 6. By project main kar leta hu automatically 500 to mujhe 400 milega baki Upwork waisi bahut khauge main ek week mein bana lunga ji aur ab main iski ye domain thi theek hai isko main thoda niche kar leta hu mera proposal pe gaur kijiyega samjhiyega ki maine kya samjha uske project se main bolta rahunga aapne usko understand karna hai.
देखो मैं डिटेल किस तरह फॉलो कर रहा हूँ, एक एक चीज की डिटेल फॉलो कर रहा हूँ मैं। उसने चार साइट के लिंक दिए, उसने यूआरएल दिया, ये मैंने कॉपी किया हुआ, ये मेरा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो पे हम सैकड़ों दफा बात कर चुके हैं, अगर नहीं है तो इन्वेस्ट टूवर्ड्स अ गोल, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। पैसे लगे हैं तो मैं अपनी वेबसाइट की मशहूर ही ना करूं, ये बड़े फायदे हैं जी। मैं इतनी गलतियां करता हूं स्पेल मिस्टेक्स की, क्योंकि मैं तेज लिखता हूं, तो ये खुद ही ठीक कर देता है स्पेलिंग मिस्टेक्स जितनी भी हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट ग्रामरली। ये नहीं, ये खूबसूरत किस्म का खत तैयार हो गया। हेलो, थैंक यू फॉर रीडिंग माई रिस्पॉन्स टू योर प्रोजेक्ट। आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग, you are a photographer looking to showcase your photography portfolio, pictures and videos. Usne videos ki baat nahi ki thi, par main usko edited advantage de raha on your website. I am a WordPress developer with over 5 years of designing and developing WordPress websites. I can create your website with secure backend, mobile friendly, responsive to all mobile platforms and tablets. Ye main add kar leta hu yahan pe. Abhi kyunki ye photographer hai na, iska website se kya lena dena, to usko mujhe वॉक थ्रू देना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा भाई मैं क्या तुम्हें देने जा रहा हूँ। यू विल बी एबल टू इजीली ऐड पिक्चर्स वीडियोस फ्रॉम योर पासवर्ड प्रोटेक्टेड बैक एंड एंड ऑल्सो पब्लिश अ ब्लॉग ऑन योर वेबसाइट, अ ब्लॉग कंटेंट सिमिलर टू, मैंने पी साइट की मशहूरी कर दी यहाँ पे बीइंग गुरु, नॉट ओनली नरेट्स अ स्टोरी अबाउट योर वर्क बट इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर सर्च इंजन फ्रॉम अ गूगल इन पर्टिकुलर। उसके बाद मैंने कहा तुम्हारी साइट एक वीक में बना दूंगा। मेरा एक सवाल है, वो ये कि तुमने डोमेन नेम तो है तुम्हारे पास, बट डू यू ऑल्सो हैव अ होस्टिंग अकाउंट? द वेबसाइट इज अपलोडेड ऑन द होस्टिंग सर्वर, इफ यस आई विल अपलोड द फाइनल वेबसाइट ऑन योर होस्टिंग एंड मेक इट लाइव ऑन योर डोमेन नेम फलाना फलाना। आई हैव एन ऑफर फॉर यू, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट फ्री मॉकअप फॉर योर वेबसाइट। यू हैव ऑलरेडी गिवन 4 वेबसाइट्स लिंक जो उसने दिए थे, मैं उनको पिक करूंगा, आइडिया लूंगा और एक अच्छा सा डिजाइन बना दूंगा। इतना बता दूं कि ये इनिशिएटिव मेरी तरफ से है, अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आता और यू डू नॉट विश टू कंटिन्यू, तुम जाओ पतली गली से निकलो विदाउट पेइंग अ सिंगल चवन्नी। ये मेरा पोर्टफोलियो है, पसंद आए तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक। और आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग एंड डूइंग बिजनेस विद यू, थैंक यू। इस पर कॉमा लगाना भूल गया था यार। ये एक खत होता है जो अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम। वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तो सिर्फ पेड कंपटीशन है, तो अब वो ज़माना मेरे ख्याल में, मेरा गुमान है, जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, कि वो ज़माना चला गया जनाब कि आप सब्र करते थे या पानी पीने चले जाते थे तो पीछे से फ्रीज बंदा और बिड कर देता था। अब नहीं ऐसा होगा, कंपटीशन कम हो गया है और वैसे भी आज वीकेंड है तो कंपटीशन कम ही होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल दैट बेसिक स्टफ, नथिंग हैज चेंज्ड हियर। आई मीन 20-50 प्रपोजल्स यू कैन सी, यू नो, which says a lot about how non-competitive Upwork has become because of that paid connect system, and I like it. I mean, har alag alag le nahi hona chahiye, ab aap sirf pehle skills seekhe, apne business development aur communication pe kaam kare aur uske baad aap maidan mein utre to samajh bhi lagti hai.
यहाँ पे आपके एक दो सवालात देख लूँ। माजत के साथ यार प्लीज अभी सवालात से जरा परहेज करो, सिर्फ समझने की कोशिश करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। कैप्चा जॉब्स कैसी हैं? कैप्चा जॉब्स पे नहीं करेगी ज्यादा आपको जनाब। सर मैंने कहा था फेक मिलते एडवर्ड्स में, हाँ उन एडवर्ड्स को बाद में देखेंगे, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो करेंगे। सर फाइवर पे यूजली बायर रिक्वेस्ट किस टाइम शो होती हैं? रात को 2:35 में सर, अगर आप 1 मिनट लेट हो गए तो गई, और आज की रात आपको मिलेगी, आपने 2:35 तक जागे रहना सर। माई फेवरेट टीचर सर, बहुत शुक्रिया। सर्वाइवल में काफी बायर्स की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या करें यार, अल्लाह की मर्जी। देखो ना कश्मीर आजाद करने के लिए हम 70 साल से लगे हुए, कितनी ट्राइयां मारी हैं, आज तक मिला नहीं ना, सबर करो मेरे दोस्त। इफ यू स्पीक अबाउट योर टाइपिंग दैट वुड बी हेल्पफुल। अच्छा चलो अगली बेड में भाषण भी दे दूंगा। ओके 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 ओके, आई स्पीक, डोंट वरी। अच्छा मोबाइल पे देख रहे तो नहीं पता लगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं अभी क्या दोबारा से फ्री कर दिए? सर दोबारा से फ्री नहीं कर दिया, आपके पास कनेक्ट पुराने पड़े हुए थे, एक दफा खत्म हो जाए इसके बाद नहीं यूज होंगे सर। मैं चाय पी के वापस जा रहा हूं। हाँ ना कश्मीरी, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि 70 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं, मिला हमें, मेहनत चाहिए होती है, जस्तुजू चाहिए होती है, ये थोड़ी ओवरनाइट मिल जाती चीज। मेहनत करो मेहनत। बस एक सेकंड, मैं एक घूंट पी लूँ, उसके बाद मैं गालिबन 2 बिट्स को आराम से करूँगा। उज्मा ग्राफिक डिज़ाइनर का पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए टू स्टार्ट विद? लोगो ब्रोशर्स मेंबरशिप, मेंबरशिप सीधी है जी, 0.15 पर कनेक्ट। आप $10 के लें आपको मिल जाएंगे, 10 × 0.15 करें आपको पता लग जाएगा। उन्होंने कैलकुलेशन रखी हुई है जब आप कनेक्ट लेने जाते हैं। सर प्रपोजल जो सेंड किया था वो तो शेयर कर दें, मैंने कॉपी नहीं किया था, चला गया वापस। ओ रुक जाओ, चला गया, अगले वाले को कॉपी करके दूंगा। वन मोर बिट सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई, आप जाग रहे हैं, मैं वेला आदमी दुनिया का घंटा बेटिंग करूंगा, मैं मुझे चाय पीने दो बस, फिर मैं आता हूं, इधर ही पी रहा हूं मैं उतनी देर तक अपने सवाल। फिर कोई बचका ना, जब सवाल पूछते हो ना फिर मैं जवाब नहीं देता, फिर कहते हो जवाब नहीं देता। तैयब कितनी देर लगती है जाके अपवर्क ढूंढो? चलो हेलो जॉब बैकएंड पे सर्च करो, मेंबरशिप पे क्लिक करो, पहले सेटिंग्स पे क्लिक करो, उसके बाद मेंबरशिप पे क्लिक करो, सब कुछ खुद देखो। ये स्पून फिटिंग क्यों चाहते हो आप लोग? कल कहेंगे सर ये बिट भी दे दें मेरी, बल्कि कल कहेंगे मुझे लॉग इन पासवर्ड दे देंगे और कहेंगे सर बिट भी कर दें प्लीज। सर मेंबरशिप इज नाउ, मैं यही कह रहा हूँ ना, मेंबरशिप पेड हो गई है, ये जो फ्री है, और आपको पता है जो एजेंसी है वो $20 लेती है और उसमें एक कनेक्ट नहीं है। क्या एडवांटेजेस है मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या एडवांटेजेस है। इफ अ पर्सन कांट थिंक ऑफ लोगोस, उज्मा फिर इलस्ट्रेशन रख लो, कुछ भी डिजाइनिंग से रिलेटेड रख लो, लाइन वर्क रख लो, ब्रोशर्स रख लो, बिजनेस कार्ड रख लो, लेटर हेड रख लो, फोटो एडिटिंग रख लो, बहुत सारी चीजें। सुना है कि अकाउंट अपग्रेड करके हम बाकी लोगों का भी, मुझे तो नहीं नजर आया, आप देख लो मेरा अपग्रेडेड ही है, यहां पे तो कोई लिंक नहीं मिल रहा बाकियों के प्रपोजल्स का, सो ये गलत है। ये बिड रेंज तो ये पहले भी दिखाता था जू, बस वो सुनी सुनाई बातें, पर ऐसी कोई हकीकत मुझे नहीं नजर आई। किया था सर कॉपी आपने? मैंने कॉपी किया था, ये लो जी पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल भी। हाँ ये लो ना, किया था ना, ये लो मैं पोर्टफोलियो निकाल दूँ और इसको ले लो, ये अच्छा किया तुमने याद करा दिया, ये लो भाई मेरे, इसकी जगह पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये पेस्ट हो गया। यूज ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन, जी बिल्कुल ठीक है। काइंडली फाइवर पर जिस बायर को रिक्वेस्ट भेजी उसको डायरेक्ट मैसेज कर दें, इस तरह आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात शानी ने बताया,
साइमा बिल्कुल ठीक है, आप लेट हो गई हैं। अच्छा वो सजा क्या दें फिर आपको, मतलब क्लासरूम के कॉर्नर में खड़ा कर दें, क्या करें? सेंट प्रपोजल मिल जाएगी यार वो। अच्छा किसी ने याद करा दिया ना, पेस्ट की हुई थी मैंने, कॉपी की हुई थी। अच्छा जी 2018 का फाइवर अकाउंट है और बहुत अच्छी बात है सर। आगे मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फाइवर की बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं तो अपवर्क पे हूँ आज। ओके जी, राइटिंग और रिसर्च के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाए? लो सबसे आसान काम, सबसे आसान काम, जाओ ड्रॉप बॉक्स या अपवर्क को वैसे कोई तकलीफ नहीं है, फाइवर को है, अपवर्क को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कल भी एक वीडियो में बोला था, सोशल मीडिया फेसबुक इन पर्टिकुलर, वहां पे जाइए पोस्ट डालिए, टेक्सचुअल पोस्ट। अब वो टेक्सचुअल पोस्ट जब आप डालेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली इसको पोस्ट बना देता है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो। और उसका लिंक आप कॉपी कर करके बिटली पे यूरल शॉर्टनर करें, उसका यूरल शॉर्टनर लेके आप अपने पोर्टफोलियो में डालें, बड़ा अच्छा काम हो जाता है सर। सर ग्रामरली की मेन है जो भी है, बेसिक थी है, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड की थी। फाइवर, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट फाइवर। सर हाउ मच वी शुड पे एजेंसी टीम? मैं तो $20 दिया, पर आप डायरेक्ट कनेक्ट ले लो ना, आप अपग्रेड क्यों करते हो, आप खाली कनेक्ट ले लो। यस सर इट्स राइट टू यूज समवन एल्सस वर्क एज योर ओन पोर्टफोलियो, बिल्कुल राइट नहीं है सर, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मेरा अपना प्रपोजल है। और ग्रामरली है जी सर, प्लीज वर्क डू नॉट टॉक। अच्छा ठीक है, एक बार सर वर्डप्रेस के लिए पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट बनानी होती है? जी बिल्कुल बनानी होती है, अच्छा होता है, इम्प्रेशन अच्छा चला जाता है। मुजाहिद कह रहे हैं आई डू ईमेल हंटिंग एंड लीड जनरेशन बट कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा अब तक, बट आई एम डूइंग इट फॉर समवन एल्स, मैं अपना काम करना चाहता। ईमेल हंटिंग और लीड जनरेशन का दोस्त मुझे नहीं पता, मुझे इस नीच का पता नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल है कि इसके प्रोजेक्ट्स भी कम ही होते होंगे। बिगनर्स पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? फ्री में काम करके जी। सर वेयर इज द बिड यू सेंड? इट इज सेंड अबव सर, इफ यू गो अबव यू विल फाइंड इट अबव सर। मेरा 3 दफा अपवर्क की तरफ से अकाउंट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है, मैं SEO डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपवर्क पे काम करना चाहता हूँ सर, करें ना, कौन मना कर रहा है आपको? एक दफा एक और ट्राई करें, अकाउंट बनाए सर। मार्केटिंग का पोर्टफोलियो बिल्कुल सिंपल है, मार्केटिंग के लिए आप फेसबुक पे जाइए, पेज बनाए, उस पर इमेजेस रखें बिफोर और आफ्टर के, रिजल्ट्स ओरिएंटेड स्क्रीनशॉट्स रखें, और उस पोस्ट का लिंक अगेन बिटली पे कन्वर्ट करें और पोर्टफोलियो में यूज करें। एक साल पहले इन्होंने अपवर्क का अकाउंट बनाया था पर इनएक्टिव था क्योंकि कोई स्किल नहीं थी, अब स्किल गेन कर ली है, नया अकाउंट बनाओ, यही सही है सर, यही सही रहेगा। आप नया अकाउंट ना बनाए मीर हाजी साहब, बिल्कुल ना नया बनाए ना, कोई नहीं, हम जो भी आपको ये मशवरा दे रहा है हमजा, नहीं नया नहीं बनाए, उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा, बहुत डिटेल से डिस्कशन आगे चली जाएगी, पर जो पुराना आपका अकाउंट है उसी को यूज कीजिए जी। जी बिल्कुल अपवर्क बेहतर है फाइबर से, तलहा फयाज। कोई ये बता दे जो बिट सर ने पेश की वो कहाँ है, भाई कोई बिट बता दे वो कहाँ है। सर मैं पूछ रहा है एजेंसी टीम मेंबर को कितने परसेंट पे करें पर प्रोजेक्ट में से मिलते हैं? पता नहीं, मैंने गौर ही नहीं किया, तो अभी देखते हैं ना, दुआ करो आजकल में कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, 50 बिट्स है मेरे पास, मैंने सारी खर्च करनी, दुआ करो कोई मिल जाए तो पता लग जाएगा क्या डिडक्शन करते हैं इन लोग, सब कुछ आपके सामने ही होगा। अपवर्क ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू मोर प्रपोजल, अब क्या करूँगी, अकाउंट बना सकती हूँ? जी बिल्कुल बना दे जैनब, सिस्टम को दोबारा विंडो इंस्टॉल करके जी कर लीजिए। सर हाउ टू गेट इम्प्रेशन ऑन फाइवर? पता नहीं, मुझे नहीं फाइवर का पता, वो आ गया अलियान, उससे पूछो फाइवर का तो मैं बात ही नहीं, इसके होते हुए मैं क्यों बात करूँ फाइवर, मतलब जब हीरा बैठा हुआ है पूरे पाकिस्तान में और वो मदद कर रहा है, जाओ उसकी प्रोफाइल पे देखो, उसको फॉलो करो, हर रोज वो एक फाइबर की टिप देता है, इतनी मेहनत करता है। हाँ उसका गुस्सा जायज है, एक तो वो जवान है और दूसरा उसका गुस्सा भी जायज है कि जितने बेहुदा और चाइल्डिश सवाल पूछे जाते हैं ना बच्चों से, बड़ा टेम्परमेंट चाहिए होता है लोगों को अपना कूल ना लूज करने में, तो वो बाजू का ठीक है, उसका राइट है, उसने काम भी करना है, अगर वो कम्युनिटी सर्विस कर रहा है फ्री में अपना टाइम दे रहा है और लोग फिर भी बचकाना सवाल पूछे कि जनाब मैं 4 कंप्यूटर में 4 फाइबर दे अकाउंट बना लवा, तो मेरे साथ ये बैठा हुआ था और मैंने इसको इसकी तरफ देखा,
हम लाहौर में बैठे थे, मैंने कहा दिल करता ना बंदा लाल है जीती थी, शुरू हो जाए शुरू हो गया था ये, याद है यार कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको अकल की बात से कहें, ये अभी तक दो नंबरी से आगे निकलती नहीं है। अच्छा जी, छह रह गए हैं, बस इन छह के बाद मैं बिट करने जा रहा हूँ। इकबाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यार आपकी प्रोफाइल पिक्चर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बंदा तस्वीर ले रहा है और वाकई आप तस्वीर ले रहे हैं। ठीक है जी, इन्होंने रिप्लाई किया, ये लें सर का प्रपोजल, शानी भट्ट साहब इज द ग्रेट मैन। सर एमएस एक्सेल का काम मिल सकता है? जी मिलता है, आप मंगता है क्या, ढूंढने वाले बने, सब काम मिलते हैं सर। आई जी अगली बिट करते हैं सर। अल्लाह अल्लाह, ये ले यहाँ पे क्लिक किया हमने, शुगर सी आ रहा है। अब मैं बिट करते हुए बोलूंगा, हाँ इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी। यार ये वैसे मुझे भी कोई मिल जाए ना बंदा जो मेरे थोड़ी सी एसईओ कर दे बीइंग गुरु की, हाँ 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 मजा आ गया। पर मैं जिससे बात करता हूँ सारे अपने बिजी बुजी काम में लगते हैं, इनको यूएक्स यूआई डिजाइनर चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस पर मैं बिट करना चाहता हूँ। यूएक्स यूआई डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर वालों जरा देखना मैं क्या करने लगा हूँ। यार ये सवालात दो हैं पर चलो शेयर करते हैं भाई के साथ, पहले प्रोजेक्ट पढ़ लेता हूँ और कनेक्ट छे हैं। या अल्लाह, I really hate when this happens because I don't want to waste six project connects and I don't know why does this happen. Maybe that happens because I'm not subscribed to that category. I'm only subscribed to the development and programming category. So if I go beyond any other category, probably would consume more connects. Let's see. ये भी चलो सवाल का जवाब मिल जाएगा क्योंकि मुझे तो सीखना है ना ब्लॉग के लिए अपने। मैं कर रहा हूँ बेट, कोई बात नहीं। UI UX डिजाइनर चाहिए, यूक्रेनियन क्लाइंट है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, 126 जॉब्स पोस्ट कर चुका है और इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि इसको अभी तक एक परमानेंट बंदा क्यों नहीं मिला जो इसको काम करके दे। सो मैं अपनी बिड में ये बात भी जरूर बोलूंगा कि भाई तूने 126 जॉब पोस्ट की है, मैं चाहता हूं कि चूंकि तू फ्रीक्वेंट बायर है, बार बार आता है यहाँ पे, प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी वन स्टॉप शॉप बन जाऊं और मैं तुम्हें इस जॉब से इतना खुश करूं कि तुम बार बार मेरे दरवाजे पे दस्तक दो। इसको मैं ये एक इमोशनल टच दूंगा। He says we need a UI UX designer who will do design redesign of a multilingual website pages and tools. Person should work with Adobe Photoshop. Knowledge of Adobe Illustrator would be an advantage. Also, working experience in design of multilingual website should be an advantage. बिल्कुल ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। और अभी तक सिर्फ पांच बंदों ने चुके इसका काम। मैं जरा इसके प्रीवियस प्रोजेक्ट, अगर एक सेकंड आप मुझे दें, ये म्यूजिक प्रोमोटर का इसने SEO के लिए, इसका मतलब या SMM के लिए प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है जिसको इसने सिर्फ $5 दिए थे। एक इसने आर्ली जॉब दी $8 per घंटे पे, टेक्निकल रिक्रूटर हायर किया था। आई रियली डू नॉट नो व्हाट डज दैट मीन। फिर चूंकि यूक्रेनियन है तो इसने कोई प्रोजेक्ट पोस्ट किया $5 पे जी, इंग्लिश ट्रांसलेशन का, और ये इंडियन फ्रीलांसर्स को इसने दिया। सो मोस्टली इसका काम जो है जी वो ट्रांसलेशन का ही मुझे नजर आता रहा क्योंकि इसकी अंग्रेजी वीक है और ये नलायक किस्म का आदमी को लग रहा मुझे। ये अर्जेंट इंग्लिश रशियन वही ना स्मॉल जॉब्स, so it's more translation related and this is why। अब देखो मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है गट फीलिंग का, जब मैंने अपनी प्रोफाइल पे भी जिक्र किया है। गट फीलिंग क्या होती है? गट फीलिंग ये होती है कि आप अपना इनर आंसर लेके कोई काम करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि इसको क्यों नहीं, मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि ये बंदा जो है ना खिसका हुआ है, इसको एक परमानेंट फ्रीलांसर क्यों नहीं मिला 126 जॉब्स के बाद। अब वो मुझे मेरी गट का जवाब मिल गया कि एक्चुअली इसने प्रोजेक्ट ही कभी पोस्ट नहीं किया साइट से रिलेटेड, इसके प्रोजेक्ट अमूमन ट्रांसलेशन के रहे हैं।
सो ये आपको ना तजर्बे के साथ आती है ये बातें, आप जितना बिट करोगे दोस्तों उतना आपको समझ लगेगी एंड यू विल बी एबल टू लिसन टू योर इनर इंट्यूशन। वो फैक्चुअल बेस्ड नहीं होती, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला एकदम जो मैंने आपके सामने रख दिया कि यार क्यों नहीं इसको 126 के बाद बंदा मिला। ये जी $15 वाली ये कॉम नहीं मुझे लगी, इसको मैं $10 पे ही रख देता हूँ, तो मुझे 8 मिलेगा, 3 एक इसके हैं खत मुझे लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो आई एम। इसको चूंकि कह रहा है मल्टीपल साइट से ना जी, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बन के मिलूंगा। आई ऑन अ स्मॉल टीम ऑफ क्रिएटिव डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स, आई अंडरस्टैंड यू नीड समवन टू फाइन ट्यून योर एग्जिस्टिंग मल्टी लिंगुअल, ये कहते हैं जी मल्टीपल जुबान वाली वेबसाइट्स को, वेबसाइट्स। आई हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स एंड कल्चर्स एंड माई पोर्टफोलियो स्पीक्स इंग्लिश है, वॉल्यूम अबाउट माई सर्विसेस, माई की बजाय ओवर कर देता हूँ, ओवर सर्विसेस, ठीक है। If interested, take a look at my portfolio and let's discuss this opportunity. I would like to be your one-stop shop for all your website development added redesign tasks. I see you have already used, you have used Upwork already, I already used Upwork for 126 projects and you and you come back with more targets. Let's talk. Thanks. I don't know इनकी एक-एक एंटर क्यों है, पर मैं अब एक-एक एंटर ही रखूँगा। I am a small team of creative designers and developers. I understand you need someone to fine-tune your existing multilingual websites. I have a diversified portfolio working with different clients and cultures, and my portfolio speaks volume about मेरा माइक के बजाय ओवर कर देना चाहिए तो बेहतर है जी। अवर पोर्टफोलियो स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट अवर अवर स्किल्स एंड सर्विसेज कर लेते हैं जी। इफ इंटरेस्टेड टेक अ लुक एट माय पोर्टफोलियो एंड लेट्स डिस्कस दिस अपॉर्चुनिटी। आई वुड लाइक टू बी योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर वेबसाइट डेवलपमेंट एडिट एडिट्स कर लेते हैं आप एंड रीडिजाइन टास्क। I see you already have used Upwork for 126 projects and you come back with more projects often. So eyeing a long-term relationship. Let's talk. Thanks, Hisham. ये मैं आपके ये पेस्ट कर दूं ताकि आपको जो है वो फायदा हो जाए, ठीक है जी। मेहरबानी करें ना लिखें तो बेहतर होगा। हायर रेट मीन्स हाउ ऑफन द क्लाइंट गोज बैक टू द ओल्ड सेलर। जी हायर रेट का मतलब है वो कितने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करता है और कितने उनमें से अवार्ड करता है। ये 10% हायर रेट है, ठीक है डॉक, गुड गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा ठीक है, तो इसका हायर रेट कम है तो वो जो 126 जॉब्स इसने पोस्ट किए उनमें से सिर्फ 10% हायर रेट बना, तो वो 12 जॉब्स ही पोस्ट हुई, वो 12 की 12 ट्रांसलेशन से रिलेटेड। बहरहाल दैट बीइंग सेड इसने 4,000 खर्च किए हैं, सो लेट्स आई दैट रिलेशनशिप। कहता जी पोर्टफोलियो और ईमेल दो जी, माय ईमेल एड्रेस इज, आगे बंद करो और खबर है मुझे किसी की ईमेल आई यार, हियर्स माय पोर्टफोलियो राइट।
That's WordPress. And I'll just, you know, okay, let's throw everything down. Let's throw everything at him. इसमें से मैंने एक निकालना था क्योंकि वो चेंज हो गया है चौधरी साहब का वरना सारे ठीक है. मेरा अर्ली रेट क्या है? मेरा अर्ली रेट 10 हो गया भाई. बस जी ये इतनी सी कहानी थी. वन स्टॉप शॉप पे भी हाइफन कहता लगा दो तो लगा दे देंगी. हेलो पे जरा तो थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो अच्छा लगेगा. इधर कॉमा लगा देते हैं. अल्लाह खैर सर. और इसको करते हैं हम सबमिट. तीर क्या कमान से यार मुझे ये छह वाली मुझे कहानी समझ नहीं लगी. कोई है इधर जो मुझे बताएगा कि ये छह कनेक्ट इसमें क्यों यूज हुए थे? क्या ये मेरी कैटेगरी से बाहर की बात हो रही थी या आया मतलब इसको तकलीफ क्या थी? प्रोजेक्ट जो है वो छह महीने से आई डोंट नो. लेट्स फाइंड आउट. ये बड़ी अच्छा सवाल है. दोबारा मैं स्टार्ट पे जा सकता है किसी के पास जो ये छह और चार कनेक्ट किस हिसाब से यूज करता है? मैं इसको जानना चाहता हूँ. आई डू द रिसर्च आफ्टर दिस लाइव यू नो बिडिंग. लेकिन कोई तो वजह होगी. हाँ बताओ ना साइंसदानों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये छह और चार कनेक्ट की क्या समस्या है? तकलीफ क्या है इसको? मतलब क्या हिसाब क्या लगाया उसने कि चार किस प्रोजेक्ट पे लेगा और छह किस वाले पे लेगा? है किसी को पता? उतनी देर में जरा फोन को चेक करूं. नहीं है किसी को पता? जी सर मेरे पास है तो सर बताइए ना जरूर. उस पर सोचना क्या है? प्लीज बताइए क्या वजह होती है ये? जल्दी बताइए. मैंने अगली बेट करनी है जनाब. मैं थकी सका रहे असिस्टेंट बनना चाहता हूँ. सर मैं जिन हूं जो बाहर नहीं निकलता. आपने मुझे कभी किसी पब्लिक अपीयरेंस में देखा है? साल हो गए. आज भी मैंने रिफ्यूज किया. वो पीटीआई वालों की कन्वेंशन हो रही है. किधर हो रही थी? इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर. लो जी पीसीबी ने सरफराज को निकाल दिया. इतनी दुख भरी जी. बट ठीक डॉक सही कह रहा है. अच्छा जी अब ये स्मॉल जॉब्स एनीथिंग दैट इज 49 विल कॉस्ट टू कनेक्ट्स. ये कहां से उठाया? अपवर्क की किसी ब्लॉग से उठाया मेरे भाई? कहां से उठाया? ओके 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 हो गया. ओका यानी कि जो 49 से नीचे है वो दो है जो कि अभी है ही नहीं. मीडियम जो है वो 50 है जो कि चार है. तो दो वाला तो मुझे कभी मिला ही नहीं. देख लेते हैं. मैं तो सुन रहा सिर्फ चार और छह रह गए. अच्छा 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 चलो ये अच्छी बात पता लगी. बहुत शुक्रिया नबी हमजा. ये तो मेरा डायलॉग मारने का दिल कर रहा है. मुझे पता है पर मैं आपको नहीं बताना. हंस रहा आगे से. मेरा भी एक डायलॉग आया बड़ा जोर का. हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे. आगे नहीं बोल रहा. सतरंगी फॉर्मूला क्या है? जो अभी बिट कर रहा हूँ वही सतरंगी है. अच्छा कोई अच्छा सा सवाल है कि मैं दोबारा जाऊं? आज लाइव कॉल होगी पता नहीं देखूंगा. देखा पढ़ा लिखा पंजाब कितना जरूरी होता है. नबील आई लव यू फॉर दिस. थैंक यू वेरी मच. चलो जी आगे चले. दुआ करो को अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए. ये मेरी एक आदत है. मैं हर बार रिफ्रेश करता रहता हूँ ताकि लेटेस्ट प्रोजेक्ट ऊपर आ जाए. डेवलप कम्युनिकेशन एंड ब्रांडिंग फिनटेक सर्विसेज. वाह जी वाह. तुसी भाई बैठे हैं आप? अगर बैठे तो अपनी मौजूदगी का इजहार करें सर. तुसी भाई अच्छा जी एजुकेशन क्योंकि आप आए थे मैंने देखा सर. एजुकेशनल मटीरियल्स फॉर कंप्यूटिंग कोर्स प्रोग्रामिंग और $700. आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन क्रिएट एन एजुकेशनल मटीरियल फॉर माय कोर्स. देखो पढ़े लिखे लोगों उस्तादों कितना स्कोप है.
Note value has been added to you to submit the project. Please add a proposal fee. Okay, thank you very much. Commission based income. Okay, thank you very much. Seeking for a high quality logo for a website and FB page. Bengali dost hain. यार एक वैसे मसला है मैं एक बात तो जरूर लिखूंगा ब्लॉग में एक बात तो जरूर लिखूंगा अगर कनेक्ट खरीदे बगैर फ्रीलांसर बिड नहीं कर सकता भाई तो जो क्लाइंट है एम्प्लॉयर है वो बगैर पेमेंट मेथड वेरीफाई करने के वो प्रोजेक्ट भी ना पोस्ट करे तो मेरे नंबर को तुमने क्या करना है अपनी मार्केट प्लेस पे मेरी 0.15 की एक कनेक्ट है चार की मिनिमम कनेक्ट की एक बिट बन रही है तो ये बन गया 0.60 ऑलमोस्ट क्वार्टर टू $1 ना मैं एक फेक प्रोजेक्ट पे क्यों खत्म करूं मैं खर्च करूं जबकि मुझे पता है कि वो फेक है मुझे तो खैर समझ लग जाती है जैसे मैं 10 दफा भी देखूं ना आपको मैं बता नहीं सकता आई हैव नो रैशनल रीजनिंग टू बैक माई कॉमेंट कि ये फेक है मुझे नहीं पता क्यों पर मुझे पता ये फेक है ये शायद गट यू नो एक्सपीरियंस से आता है अब 20 साल से एक ही काम कर रहा हूँ तो ये मुझे रिप ऑफ क्यों करती है ये मार्केट प्लेस मेरी कनेक्ट क्यों जाया करा रही है ये चार मिनिमम चार तो करेगी ना मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखो दो करेगी इसका मतलब 50 से कम है क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 50 से कम है और मेरी गट फीलिंग क्यों कि ये फेक है इसको लोगो चाहिए था ना ऑनलाइन स्टोर का और ये कहता है मुझे एक्सपर्ट चाहिए तो याद रखना अगेन मेरे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यार इसके लोगों का नाम नहीं होगा इसकी कंपनी का कोई नाम नहीं होगा ये मतलब हवाई फायर करेगा कि मतलब मुझे एक अदद वेबसाइट चाहिए बस चला गया बोल के सो ऐसे प्रोजेक्ट्स टिपिकली फेक होते हैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन लॉजिकली कि क्यों मुझे फेक लगते हैं ऐसे बट इट्स जस्ट मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस देन एनीथिंग एल्स अच्छा जी नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे तो कॉपी राइटिंग वगैरह चल रही है 2D ग्राफिक्स वीडियो कनाडा से हैं जनाब ये और $15 का इनका बजट है कह रहे हैं मुझे 2D ग्राफिक्स वीडियो फॉर अ मॉल विच रिफ्लेक्ट्स एन इंटीरियर इसको फाइवर की आदत लगी हुई है भाई को इसमें नहीं मैं बेट करने लगा सीकिंग वर्डप्रेस डेवलपर फॉर स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स टू पर्सनल वेबसाइट अगर तो इसने लिंक दिया हुआ तो कोई हर्ज नहीं है और यहाँ पर लिखा हुआ है Plus. Now let's find out what this plus is, G. Upwork plus client. Okay. And what does that mean? Iska payment method verified nahi aur ye Upwork plus. Upwork plus clients are on a subscription plan that includes additional hiring features such as search filters for top talent. Ab barhal, main is par bid karunga. Kyunki iske links pade hue the, G. So there we go. Seeking WordPress developer for small improvements to personal website is ka project hai. United Kingdom se iska taluk hai. Aur ye kehta hai, straightforward minor job hogi. Jisko WordPress aati ho, wo kar sakta hai. Pehli job kya hai? Grid layout on the blog archive page of my website to appear similar to scrapbook archive page of my website. Achha, theek hai, kya masla hai? वो स्क्रैप बुक है और ये आर्काइव पेज है आई एक्सपेक्ट दिस विल इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ न्यू फुल विड्थ पेज टेम्पलेट और स्क्रैप बुक पेज लेआउट लुक्स नीटर ऑन अ फुल स्क्रीन अच्छा ऑल्सो ऑन अ ब्लॉग आर्काइव पेज आई वुड लाइक टू पोस्ट टाइटल ओवरलेड ऑन बॉटम सेक्शन ऑफ द इमेज इन वाइट टेक्स्ट अच्छा कोई मसला नहीं ऑल्सो ऑन द ब्लॉग आर्काइव पेज आई वुड लाइक इन्फिनिट स्क्रॉल यानी कि चलते जाओ नंबरिंग ना आए 1, 2, 3, 4 पेज नंबरिंग ना आए दूसरी जॉब क्या है कहता है मेटा इंफॉर्मेशन कोई मसला नहीं पोस्टेड ऑन एंड टैग मेटा इंफॉर्मेशन अच्छा ठीक है पोस्टेड ऑन अच्छा बच्चों वाली बात अच्छा जी थर्ड जॉब क्या है इंपोर्ट हिस्टोरिकल टम्बलर पोस्ट विद वर्डप्रेस सो दे अपीयर करेक्टली इन द स्क्रैपबुक सेक्शन माय ओल्ड टम्बलर ब्लॉग ये था जी दिस मीन मेकिंग द पोस्ट इनटू प्रोजेक्ट पोस्ट विद कैटेगरी इज इक्वल टू स्क्रैपबुक बट अच्छा ठीक है My Tumblr posts are typically images with no post title. Har ek ki aisi hoti hain. And some description text. I have played with Tumblr to WordPress importer plugin. But where I got stuck was the post import did not take the image and make it a feature image. So it won't appear on the archive page. I'm not an expert in all that stuff.
और $40 हैं टोटल इसकी जिंदगी में बाहर, और मैं ये काम नहीं करने लगा, मेरी मर्जी। चला काम आसान है पर $40 क्यों? ओके, एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर टू पिक अप वर्डप्रेस वेबसाइट टास्क रशिया। I am building WordPress site for my client. Need someone who will pick up the task. Candidate must be able to change code of plugins or create own plugin if necessary. Talker only for Russian speaking developers. अब ये जब तक जॉब खोलेंगे नहीं पता लगता ना किसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फ्रंट एंड वेब डेवलपर जी, और ये कहता है ओके सो व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब वेरीफाइड है जी, सब कुछ ठीक है। प्लीज मेक श्योर टू इंक्लूड लिंक्स टू प्रीवियस वर्क, स्क्रीनशॉट्स, वेब लिंक्स एंड ऑल सैंपल्स ऑफ कोड। डिस्क्रिप्शन क्या है? द डेवलपमेंट पोजीशन विल पे अ की, ये बराबर है क्या था? हेलो हेलो वन ठहर जाओ, यानी ये बराबर था ना। दैट्स इंटरेस्टिंग। चाहता क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ूं? मैं आपको प्रपोजल पढ़ाऊंगा, मतलब मैं थक जाता हूं बोल बोल के। डेवलपमेंट पोजीशन प्ले की रोल इन डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ आवर क्लाइंट्स ई-कॉमर्स ब्रांड। अच्छा, खुद मार्केटिंग एजेंसी है। सो बिस्मिल्लाह, ओ तो सही जरा। द रोल विल प्ले इन अपॉर्चुनिटी वर्किंग कंज्यूमर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ई-कॉमर्स ब्रांड्स स्टाइल्स नॉलेज ऑफ सर्वर साइट कोडिंग वी आर लुकिंग फॉर साइट एचटीएमएल ब्ला 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 ब्ला। Core requirements function will be, focus will be on front-end development, develop code for websites, email marketing, perform quality assurance code, content monitoring. Okay, so I can easily go there. And I'm going to pitch as an agency, not as an individual, and find out, okay, isko ek hi developer chahiye, ki what about, okay. Let's see, मैं थोड़ा डिफरेंट करके इसको अप्रोच करूंगा, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बिट कर रहा हूं इस पर। ना डेवलपमेंट तो 15 पे हो नहीं सकती, ज्यादा 3 खाने फिल करने। मैं पहले लिखने पर पढ़ता हूँ। मैं पहले लिख लूँ फिर पढ़ता हूँ, वरना फिर वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। सर मोबाइल वाले ज़रा समझ करो। मैं मुंह पे चंड भी मारूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतना कुछ एक सुपरमैन के पास नहीं होता। अगर होगा तो वो इधर बैठा होगा, वो सीधा सीधा 2 लाख का बंदा होगा। इट्स हाईली अनलाइकली टू हैव ऑल क्वालिफिकेशंस इन वन डेवलपर, बट विद मल्टीपल हैंड्स द टास्क कैन बी taken care of. I'm willing to offer that service to lend my developers for your work. Let's discuss some high skill. Perhaps 9 hours
Monday to Friday. मैंने कहा जी मैं एक स्मॉल वेब डेवलपमेंट एजेंसी ओन करता हूँ जो वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट सर्विसेज देती है और एक दिहाई से 10 साल से काम कर रही है. मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट प्लेसमेंट पकड़ लिया एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर वेब डेवलपर टेक केयर ऑफ योर ऑल डेवलपमेंट नीड्स. ए स्मॉल यार वी हैव अ टीम टू डू इट. अच्छा ठीक है. अब उसके बाद टीम टू डू इट के बाद it's highly unlikely to have all qualifications one developer but with multiple hands the task can be taken care of thus saving time and money. I'm willing to offer that service to lend my developers for your work. Let's discuss on the price though. Perhaps 9 to 5, 9 hours Monday to Friday salary of one guy. Let's talk. We are looking for a front-end developer which is well versed with the responsive variety sample. Push it open. Sample. Wait, there you go. We are looking for a recent CMS. Please run a dream driven selected pass. We haven't. Not yet. What is it? Demand there. But we have huge experience as you can see from. About WordPress, Shopify, lots of custom PHP high-end websites. ठीक है जी. Hello, कोमा मार देता हूँ. Let's talk, but full stop. Thank you, but कोमा मार देता हूँ. अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह. बाकी देखते हैं जी क्या होता है. Okay, so let's just take a few questions because I'm sure you would have dozens here. Projects share by six. Okay, planning की बात हो रही है. Confused. वो बाद में spell mistake से हो गया. Asra Hamza. अच्छा जी जैनब कह रही है मोस्टली मैंने देखा है कि अब वक्त में मैं एक मिनट के अंदर 60 bids हुए होते हैं. अब नहीं होते जी. अब पैसे लग गए हैं. पहले फ्री में होता था तो सारे काम हो जाते थे. पेमेंट वेरीफाइड पर उसका जो ब्लॉग लिंक्स थे वो ओरिजिनल थे. लेट मी ट्राई जरूर अप्रूव हो जाएगा. करें सर धन्यवाद. प्लीज सर आई ट्राइड बट आई कुडंट वेरीफाई. अच्छा जी आपस में बातें हो रही हैं. डीएम मी राइट आफ्टर लाइव वीडियो. थैंक यू. इंटरव्यू कर रहा है ऑलरेडी सर तो भी अप्लाई कर देना. हाँ मैं कर देता हूँ. इंटरव्यू कर रहा है अवार्ड तो नहीं किया. इंटरव्यू तो बातचीत का सिलसिला है. क्या पता उसको वो पसंद ना आए. आपस में लगा मेरे से तो पूछो. हाँ हाँ नहीं डॉक 15 मिनट्स वर्क क्या फ्री इसको देना था. उसको मैंने एक और तरीके से घेरने की कोशिश की. एंड व्हेन यू सप्लाई द क्लाइंट विद द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यू ऑटोमेटिकली गेट इन अ चांस ऑफ कंसीडरेशन. आई मीन रेस्ट अश्योर्ड माय दिस बिड वुड डेफिनेटली बी डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ द बिड्स ही वुड हैव यू नो ही वुड बी गेटिंग सिंपली बिकॉज़ It is backed up with a huge portfolio simply because then again I gave him an offer कि यार प्यार का काम एक बंदा कर रहा है. उसको फिर जाहिर है अभी तो फैंसी
प्रपोजल है ना, प्रपोजल के बाद जब बातचीत का मरहला आएगा, डिस्कशन का मरहला आएगा, तब वो मुझे घेरेगा, मैं उसको घेरूंगा। अभी तो इट्स जस्ट अ प्रपोजल स्टेज। पर आर प्राइस क्यों कंफ्यूजिंग है भाई? एक काम 100 रुपए का करते हो, उसको 4 घंटे लगते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 4 करो, वो पर आर निकल आएगा। उसमें क्या कंफ्यूजन काम है भाइयों? भाइयों भाइयों, नहीं जी मैं स्मोकिंग नहीं करता, नॉट एनी मोर यार। इंटरव्यू कुछ नहीं कहता, 10 इंटरव्यू भी चल रहे हो तो जॉब मिल जाती है। परेशान ना हो, जब अवार्ड हो जाए तब सोचना कि क्या परेशानी है। मतलब सर क्या हाल है तेरा? लॉन्ग टाइम नो सी। फाइवर बंद हो गया तो उसके बाद अपवर्क पे करो काम आप कि नहीं करो? अपवर्क पे अगर आवर्स खत्म हो गए और अगर हम क्लाइंट्स के एक्स्ट्रा आवर मांगे तो क्या हमसे हमारी प्रोफाइल पर कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। पहला वाला जो हमने जॉब की थी वो पर आवर वाली थी। अपवर्क पर कैटेगरी चेंज करके अकाउंट अप्रूव करवाना ठीक मेथड है। अब क्या करें, नहीं अप्रूव करा तो कुछ तो करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है हमजा, 5-6। नियाजी साहब, नियाज साहब, नियाज अली अंजुम साहब, 5-6 तो हो ना। थोड़ी मेहनत करें, 2 महीने टाइम लगाइए, पोर्टफोलियो बनाइए और उसके बाद काम कीजिए। सर वो एजेंसी के टीम मेंबर को कितना पे करेंगे एज एन एजेंसी ओनर? 1000 प्रोजेक्ट्स, 50% फॉर एजेंसी, 50% टीम मेंबर। मैं मुझे नहीं पता, अगेन इसको ढूंढना पड़ेगा, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं वो आदमी जो आप लोगों को पता है, लास्ट मुझे याद आया कि मैंने रमजान में बिड की थी तो उसमें $250 पड़े हुए थे, मुझे तो याद भी नहीं थे। तो देखते हैं क्या परसेंटेज ये लोग स्प्रेड करते हैं जी। फाइवर, फाइवर हवाई फायर है सर, इसलिए यहां पे मेरे पास कंट्रोल था। मेरे पास कंट्रोल इन अ सेंस था कि मैंने बिड की, प्रोजेक्ट की प्राइस भी डाइवर्सिफाइड है। जो $5 वाला है उसको मैं लिफ्ट नहीं कराऊंगा, जो 50 वाला है उसको मैं शायद बिड कर दूं। कंट्रोल में हूं मैं। फाइवर पे एज अ न्यू बी, एज अ बिगनर मेरे पास कंट्रोल ही कोई नहीं है सर। फिर जब 2 नंबरी की बात आती है उससे फाइवर प्रमोट कर लेता है, जो मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता क्योंकि तो मेरी बात बड़ी माइक्रोस्कोपिक हो जाती है एट टाइम्स, और वो फिर इट गेट्स पुल्ड अगेंस्ट मी कि तुमने ये बात की। सो इट्स जस्ट द एल्गोरिथम ऑफ फाइवर व्हिच आई रियली हेट। या तो ना इक्वल अपॉर्चुनिटी हो फॉर न्यू एंट्रेंट्स एंड फाइवर वुड प्रमोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर व्यूज एंड देयर मैसेजेस, देन इट मेक्स अ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबॉडी। फिर तो मेरी रिस्पेक्ट है। पर ये क्या 2 नंबरी है कि जो सीजनड है उन्हीं को बाय रिक्वेस्ट उन्हीं को ऑर्डर्स, और जो नया आ रहा है जिसने नया बनाया है गिग, चाहे 7 बना ले या चाहे 1 बना ले विदाउट व्यूज, उसको तरीका ही कोई नहीं है प्रमोट करने का। फिर उसको आप कहते हो कि व्यूज लेके आओ, इसको प्रमोट करो सोशल मीडिया पे, फिर वो 2.5 नंबरी करता है। 2 नंबरी तो छोटा वर्ड है, फिर ऑटोमेटिकली उसकी गेंद चलना शुरू हो जाती है। मतलब क्या मैं बेवकूफ हूँ? 20 साल से मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं बच्चा नजर आ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं लग रही क्या चाहते हो तुम लोग। तो वो इसलिए मुझे मार्केट प्लेस ही ठीक नहीं लगती। अच्छा वैसे मैं बताऊं, अब कैटेगरी का मसला नहीं होगा। अब आप पैसे दे के जब अकाउंट खरीद रहे हो ना अपवर्क पे, अब मेरा नहीं ख्याल रिफ्यूज करेगा। ट्राई कीजिए, I really do not think अब refuse करेगा। वो तो पुराने वक्तों की बात है ना, जब हर बंदा अपवर्क पे आ रहा था। अब तो इनके पास इन्फ्लक्स ही कम हो जाएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ वो लोग ही का आएंगे जिन्होंने पैसे दे के कनेक्ट खरीदने हैं और फिर बिड करेंगे। सो आई रेकन, आई मीन अपनी रिजेक्शन होनी चाहिए। मिशाल कह रही है सर, क्लाइंट wants demo screen design but without taking order. If he likes, there are no free lunches. You have to do it. कर लो ना, 2 ही घंटे लगेंगे बना दो। I am okay with text interview to clients, but I am afraid when client ask to call interview, how can I improve my confidence in this matter? इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ, बारहा request करता हूँ कि आप लोग freelance marketplace पे jump करने से पहले अपनी communication और business development पे काम करें। मैंने आपके सामने 3 एक पर्चे भेजे हैं, खतो कतावत की है। मुझे नहीं पता जवाब आएगा नहीं आएगा, पर मुझे ये जरूर पता है कि कम से कम वो पढ़ेगा जरूर मेरी अंग्रेजी, मेरे लिखने का अंदाज उसको ये जरूर बताएगा कि ये जानता है काम को।
विन करना, इंटरव्यू के लिए कॉल होना, वो तो किस्मत की बात है ना, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता। स्वयं एक अच्छा प्रपोजल सेंड करने के आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सो गुजारिश ये है कि आपने अगर बिडिंग करनी है तो उससे पहले जी अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, कैमरे को फेस करें आप। मैंने एक वीडियो कल बनानी है, मैंने एक्चुअली एक नहीं तीन बनानी है, पर उनमें से एक का कंटेंट है कि जो लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं ना जी, वो कॉन्फिडेंट होते हैं और उनके चांसेस सक्सेसफुल होने के ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो कैमरा शाई नहीं होते हैं, उनको स्टेज फ्राइट नहीं होता और उनको जो कमेंट्स आ रहे हैं उनकी वीडियो पे वो खास बॉदर नहीं करते। एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज फेसिंग कैमरा इज़ नॉट ईजी जी, आसान नहीं होता। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, यहाँ पे तो ग्रुप है ना, हर रोज़ मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों के साथ गपशप मारता हूँ, जितनी अकल है समझा देता हूँ, कुछ आपसे सीखता हूँ, यही कर रहे हैं हम। जाहिर है मुझे तो सब चीज़ें नहीं आती और मैं बड़ा ओपन हूँ कि नहीं आती, मुझे फाइवर नहीं पसंद, मैं बात ही नहीं करना चाहता उसके बारे में। पर बहरहाल वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। इट्स बीन 7 months आई हैव नॉट कम लाइव ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल। अच्छा मैंने ना पिछले हफ्ते से सोच रहा हूँ, कल भी शायद गालिबन मैंने जिक्र किया कि मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ से लाइव वीडियो खत्म करके मैं अपने प्रोफाइल पर जाऊँ। पाकिस्तान में बहुत कम लोग इतने ब्लेस्ड थे, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए थे अभी, नबील साहब, इन ये मेरे पुराने दोस्तों में से हैं जिनको इतनी ट्रैक्शन मिलती है जो शायद सेलिब्रिटीज को मिलती है। और वो ट्रैक्शन से मेरी मुराद है जी कि जब मैं लाइव जाता था ना तो 500 से 1000 बंदा आखिरी दिनों में मेरे आराम से घुसता था, वो मेरे फॉलोअर्स थे, वो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट थे और मेरा कॉन्टेंट जो है वो 50-50 दफ़ा शेयर हो रहा था। अच्छा अब मुझे वो स्टेज फ्राइट बार बार तंग कर रहा है प्रोफाइल पे वापस जाते हुए। यहाँ पे तो एक छोटा सा नंबर है ना, 100 बैठा होगा, 200 बैठा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं जाता। अब जहां पे 1000 बंदा आपको बैठा हो उनमें से आपके दोस्त भी हो, फैमिली मेंबर्स भी हो, ये जो ब्रेक आया 5-6-7 महीने का जी, ये कैमरा फेस करना आसान काम नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। और अब मैं बाजूकत सोचता हूँ कि कैसे मैं दिन में 2-2 दफा लाइव आता था अपनी प्रोफाइल पे। मैं जिधर गया मौसम अच्छा लगा मैं लाइव आ गया जी, मुझे कोई बात याद आई मैं लाइव आ गया जी, मैं किसी का इंटरव्यू करने बैठा उसको लाइव ले लिया जी, या वो अपने घर बैठा है मैं अपने घर में हूँ तो दिल किया उसको फोन किया कि तुम लाइव आ जाओ मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सो कायनात मेरी गुजारिश ये है कि कैमरा खोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना कि आप इंटरव्यू में अपेयर होने से नहीं यू नो हेजिटेट करेंगी, ये कॉन्फिडेंस आपकी प्रपोजल राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा। आजमाई भी बात है, मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता एक्टिवली, एवरीबॉडी नोज इट, आई मीन मुझे भी क्या जरूरत है मगजमारी करने की। मैं ब्लॉग चला रहा हूँ फुल टाइम और वो ब्लॉग से अब हम मीडिया पे जाने लगे हैं, इंशाल्लाह बीइंग गुरु का टीवी निकलेगा, सो मैं इसको डिफरेंट होराइजन पे ले गया। पर मैं आप लोगों के लिए जाहिर लाइव बिडिंग करता हूँ, इन द प्रोसेस इफ आई कैन मेक अ मनी यू नो आई वोंट माइंड दैट, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम 200-250-300 डॉलर जो भी था अर्न किया। पर जो कॉन्फिडेंस है वो आपके एक्सपीरियंस से आता है, बीन देयर डन दैट, सिंस आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 20 years almost, मैं अगर साल के गैप के बाद भी वही काम करूंगा ना जी, तो मुझे थोड़ा सा झाका, थोड़ा सा शर्म, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करना पड़ता है, पर उसके बाद आई एम गुड एट इट जस्ट बिकॉज के आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कभी आप अपने एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, आप अगर जिनका अपना घर नहीं है, किराए के घर पे रहते हैं, कभी आपने मुशाहिदा किया कि आप एक घर को छोड़े हुए 5-10 साल हो गए, इत्तफाकन आपको वापस उस मोहल्ले में जाने का टाइम मिल गया और इत्तफाक हुआ, तो उस घर में आप जाएं, आपकी मेमोरीज ऐसे रिफ्रेश होती हैं जी कि जैसे आप अभी 1 मिनट पहले उस घर को छोड़ के गए। यह आजमाई हुई बात है। सो हम एक्सपीरियंसेस से मानूस हो जाते हैं, वी गेट यूज्ड टू इट। इट कुड बी प्लेसेस, इट कुड बी पीपल, इट कुड बी वर्क एक्सपीरियंस, हम यूज्ड टू हो जाते हैं उसके साथ। Is this right for beginners to buy some paid reviews? सर बिल्कुल राइट नहीं है दानी साहब, और ये अनएथिकल है सर, ना कीजिए इसको, बरकत वाले काम कीजिए। I don't understand the reason, it's so simple with theme। अच्छा ये आपस में बातें कर रहे हैं।
सर मैंने काम करके 3 वेबसाइट्स बना दी हैं क्लाइंट्स के लिए, क्या ये पोर्टफोलियो के काफी? दो एक और कर लो सर, छोटे से तो हो, मेहनत करो, 4 दिन और बैठो। डॉक हो किधर, सरजमीन में हो या बाहर हो? नहीं जी, बिडिंग ज्यादा करने से अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब वक्त चेंज हो चुका है, गुरु पहले ही चेंज हो चुका था और अब वक्त भी चेंज हो चुका है। अब पैसों से उनका ताल्लुक है, आप चाहे 1 मिनट में सारी बिड्स खत्म कर दीजिए या आप 10 साल लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आई एम डूइंग द अपवर्क, सो अपवर्क का एजेंसी अकाउंट किस तरह बनता है? बिकॉज मैंने अपना अकाउंट अपडेट किया तो फ्रीलांस प्लस पर हुआ है, तो मैं उसी से कंटिन्यू करूं या क्या करूं? आप फ्रीलांस प्लस कर दें तो बेहतर है सर, इसलिए कि उस पे आपको $16 पड़ते हैं गालिबन, और आपको शायद 60-70 कनेक्ट्स भी मिलते हैं। एजेंसी में $20 की मेंबरशिप है माहाना, और उसके साथ सितम जरीफी है कि कनेक्ट नहीं देते ये लोग। तो मैं यही तो देखना चाह रहा हूँ, तभी तो मैं बिड कर रहा हूँ कि मुझे मतलब कौन सा फायदा मिला है कि मैंने 70-80-60-70 डॉलर खर्च किए हैं। क्या मुझे प्रमोट करेगा वर्क ऑन द टॉप ऑफ प्रपोजल लिस्ट? अभी तो चूंकि इतवार है, जाहिर है छुट्टी का वक्त है, सारे इंजॉय कर रहे हैं, पर मैं यही तो देखना चाह रहा हूँ कि एजेंसी का फायदा क्या है। सो मैं तो यही गुजारिश करूंगा, फिलहाल आप प्लस पे ही रहिए, मुझे पहले सर एडवांटेज तो देखने देना कि फायदा क्या है इसका। टू डेज दैट्स नॉट अ गुड आइडिया देन। अच्छा मैं डॉग किसी और से बात कर रहे हैं। टिकट ओके, सही है सर, सही है सर। आई टिकट सर, मनी लॉन्ड्रिंग अहमद जान साहब, ऐसी स्किल है सर कि जो अनलिमिटेड पैसा आपको कमा के देगी। ब्लॉकचेन के साथ अगर आप 2 नंबरी कर दें, यू कुड बी नेक्स्ट बिग लॉन्ड्रर। मेरे में हिम्मत नहीं, वरना मैं अहमद जान ये काम कर लूं। मतलब यार ये सवाल है कोई, और एक मैंने कल परसों भी जवाब दिया था इसका कि स्किल तो सारी अच्छी है, आप में कितना दम है स्किल सीखने का? किसी एक को पकड़िए, ट्रेंडिंग स्किल को, और सीखिए, और फिर आप उसको ऑफर कीजिए, कैसे नहीं आप कामयाब होंगे सर। सर आई एम अ 3D आर्टिस्ट, 200-300 डॉलर एक्सटीरियर इंटीरियर रेंडर, बट फाइवर इज नॉट। सर $20 आपको मिलते हैं हमें से ज्यादा? बड़ी बड़ी गाली की थी ये। सर आप फाइवर में क्यों टंगे हुए हैं? मतलब फाइवर में तो फाइवर वाला खुद नहीं जाता होगा, ये ऐसे ही है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद नहीं यूज करते होंगे, वो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर सिर्फ पहली दफा यूज करते होंगे टू डाउनलोड क्रोम और फायरफॉक्स। तो गुजारिश ये है सर कि आप अगर 3D का काम जानते हैं, गालिबन आप कैट से 3D रेंडर करते होंगे या 3D स्टूडियो मैक्स से रेंडर करते होंगे, उसके बाद कल आप आज मॉडलिंग सीखी है, कल आप उस 3D मॉडल्स को एनिमेट भी कर सकते हैं सर, क्यों अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? हामिद शहजाद साहब, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा हुनर दे दिया है जो कि ल्यूक्रेटिव है। यू आर एक्चुअली अ गोल्ड माइन, बट प्रॉब्लम इज यू डू नॉट नो हाउ ट्रूली टैलेंटेड यू आर। सो इफ आई वर यू, मैं फाइवर को स्क्रैप करके साइन आउट कर दूं एक दफा के लिए, और मैं अपवर्क पे काम ढूंढूं, 2-1 महीने पैसे लगाऊं इसके कनेक्ट के, और देखूं कैसा चलता है, और साथ guru.com पे भी जाऊं। सर 3D का तो इतना काम है, मैं यहाँ पे 3D लिखूं, आप ये देखिए सर 3D, और प्रोजेक्ट्स की प्राइस देखिएगा आप जरा। वाह जी वाह, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, 3D रेंडर फॉर माई एक्सटीरियर जॉब, $150 है जी। ये $200 है जी, कॉन्सेप्ट एनिमेशन आर्टिस्ट बिल्डिंग है जी। इवन ये सिंपल लोगो भी जो 3D जियोमेट्रिक में चाहिए वो भी $45 दे रहा है। इसके अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नजर आया, मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट यू कैन सी दे गुड, ऐसे भी हैं $5 वाले, 2D कैड डिजाइन वाले, और चूंकि सेचुरेशन होती है तो ये एक्सप्लॉइट कर जाते हैं, बट ज्यादा तो अच्छे पेइंग होता है। सो हामिद शहजाद साहब प्लीज डू जस्टिस योर सेल्फ, आप आए जरा वक्त पे प्लीज। हाउ टू क्लाइंट कैलकुलेट वर्क टाइम इन आवर्स? वो क्लाइंट थोड़ी करता है, आप खुद बताते हैं कि मुझे 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, और फिर आप फाइल करते हैं प्रपोजल में। सर मुझे देखें, मैंने अपनी अपनी वेबसाइट दिखानी है, कुछ टिप्स दिया सर, मुझे दिखाएं,
मैंने अपनी वेबसाइट खानी है, पता नहीं किस बारे में बात हो रही। अच्छा ठीक है, डॉक्स पर मुलाकात होती है, छोटे वाले में के बड़े वाले अस्पताल में चक्कर लगता है, फिर आता हूँ मैं इंशाल्लाह, चक्कर लगता है। फ्री काम कैसा करना पोर्टफोलियो बनाने के लिए बिजनेस, सर बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के इंतजार में रहेंगे विदाउट पोर्टफोलियो, आपको किसी ने काम देना नहीं है, तो बेहतर यह कि आप एक दो महीने की एफर्ट करके फ्री पोर्टफोलियो बना के फिर आप जाएं मार्केट प्लेस पे, ऑनलाइन जाएं सर और डबंग काम करें। सर अभी और बिड करेंगे या हम जाएं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। एजेंसी का फायदा क्या है, मैं यही देखना चाहता हूँ, मैंने इसलिए एजेंसी का अकाउंट लिया है एंड आई वॉन्ट टू सी एजेंसी का रिजल्ट क्या आता है। जी जी इंटरनेट पे वेबसाइट होनी चाहिए नियाज अली अमजद साहब, कहना चाहिए जब वर्क माय फील्ड, आई थिंक जॉब्स अपीयर इन माय जॉब फील्ड लेट, इट्स बिकॉज़ ऑफ अपवर्क एल्गोरिथम। आप बार बार लोगों पे क्लिक करें, रिफ्रेश हो जाएंगे। जी सर सेल्स फोर्स मुझे आती नहीं है, मैं क्यों बैठ रहा हूँ ऐसे ही, मैं अपने 60 सेंट जाया करूं सर। क्या खूबसूरत बात की जी सर, शाह सर प्लीज आंसर फॉर फ्रीलांसिंग विच कोडिंग लैंग्वेज वी शुड लर्न, आई करंटली वर्क इन वर्डप्रेस। सर वर्डप्रेस पे रहें और काम ढूंढिए सर। सर मैंने अभी ही जीडी कोर्स कंप्लीट किया है, मेन फाइवर पे गिग बनाई हुई है, अपवर्क पे जाऊं और पोर्टफोलियो के लिए कोई हिंट्स दे दें। पोर्टफोलियो खुद बनाइए और अपवर्क पे आ जाइए जी, ठीक है जी। सर उर्दू वेबसाइट पोर्टफोलियो के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर, मतलब क्लाइंट क्या देखेगा उसमें। आए जी देखते हैं कोई और अच्छा प्रोजेक्ट आया, एक और बिट कर लेते हैं लगे हाथों, उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे प्रोजेक्ट को एप्रीहेंड करना है, उसमें से एक मतलब की चीजें निकालनी है, कैसे खत लिखना है और खत में क्या क्या बातें इंक्लूड करनी है, ठीक है ना। प्रॉपरली इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम $50, अब ये देखो कितना अच्छा काम है, $50 में कर लो, क्या मसला, सिर्फ इतनी सी थीम इंस्टॉल करनी है उसकी और होस्टिंग पे और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। वीपीएन क्लाइंट चाहिए इसको $3500 में, ये अच्छा लग रहा है जी। वेबसाइट रीडिजाइन एंड मेक इट रिस्पॉन्सिव, देखते हैं क्या है इसमें। वी नीड एक सेकंड, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ जरा, अब पढ़ते हैं इसको। कहता है वी नीड हेल्प विद रीडिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग वेबसाइट, इसको रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जी मोबाइल पे भी चल पड़े, टैबलेट्स में भी चल पड़े, डेस्कटॉप पे भी चल पड़े और हर जगह पे इक्वली सही नजर आए। इसको CSS चाहिए जी, जावा PHP लारावेल फ्रेमवर्क है, वर्डप्रेस दिमाग, ठीक है। दो फ्री आंसर हायर करने हैं और अच्छा चलो, एक्सपीरियंस विद डॉक्टर से प्लस नहीं आता बाबू से। फॉर दिस प्रोजेक्ट इट पुट आल्सो रिक्वायर्ड टू राइट स्मॉल पीस ऑफ कंटेंट, कोई बात नहीं लिख लेने, प्लीज रिप्लाई विद एग्जांपल योर लेटर हाउ सून यू कुड स्टार्ट, और कुछ नहीं करो। इसको चूंकि दो डेवलपर्स चाहिए तो जाहिर है मेरे कंपनी के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊंगा, और लारावेल की बात हो रही है वो भी मैं $20 पर बात करूंगा जी ताकि 16 मुझे मिले। मैं जूम कर देता हूं ताकि आप भी देख लें और फिर मैं बाद में पढ़ लूंगा, पर मैं एज अ कंपनी हेड जाऊंगा, नॉट एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर।
देखो मैं इसको खुद वीडियो इंटरव्यू मिले, मैं अभी पढ़ता हूँ इसको। ओके मैं इसको पढ़ता हूँ जी, एक सेकंड में जरा स्पेल मिस्टेक ठीक कर लूँ। इसको मैंने लिखा, हेलो थैंक्स फॉर रीडिंग माय रिस्पांस टू योर प्रोजेक्ट। आई ओन अ स्मॉल वेब वाली वेब एजेंसी, क्या होता है वेब डेवलपमेंट एजेंसी, प्रोवाइडिंग क्वालिटी डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज टू अवर क्लाइंट्स फॉर ओवर अ डिकेड। I can lend you two competently qualified developers and you can also check their work by providing sample tasks as I believe it is your right to check the skills of a resource before hiring them. The job also, the service also includes writing content if needed. Yeh main bhool gaya tha ji, ab mujhe wapas likhte rahe yaad aaya. We are very proficient in skills such as proficient, that's okay, yeah, let's go with that, it's okay. Laravel, Shopify, and of course, CS Java. Our portfolio speaks volume about the quality of our work. If interested, open message board or let's do a video interview so we can move forward with this opportunity. Eagerly awaiting your response. Ek aur baat main isko bata deta hun. We work Monday to Friday, 9 to 5 Eastern Standard Time, and can adjust our time zone to work with you. Bawakhla. ठीक है भाई, ये submit हो गया जनाब। इसको मैंने as a company दो developers के बारे में बात की, बड़ी मुनासिब बात की, मुझे तो ठीक लगी। ये वो प्रपोजल है जू। कहते जी कि एक स्किल को लर्न करने में कितना टाइम लगता है। सर डिपेंड करता है स्किल, स्किल पे भी जी। आप जितना उसको, यार किधर गया मेरा फुटरेस, स्किल पे भी डेवलप डिपेंड करता है जी। आप ग्राफिक डिजाइनिंग आप 2 महीने में सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट आप 4 महीने में सीख सकते हैं। अच्छा जी, आई थिंक यू गॉट मी रॉन्ग, व्हाट आई एम आस्किंग इज लाइक यू आर ब्लॉगिंग एंड प्रोबब्ली मेक इट। सर देखिए ना, हर फील्ड में, यही तो बता रहा हूँ, हर फील्ड का अपना चार्म है। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर क्या पता मुझे इन 50 बेड्स में से 30 प्रोजेक्ट मिल जाए मिसाल के तौर पर, एंड मुमकिन है एक भी ना मिले। अब मुझे 30 के 30 वर्डप्रेस के मिल गए तो मेरा तो जवाब ऑटोमेटिकली बन गया भी वर्डप्रेस इज वेरी लुक्रेटिव, वर्डप्रेस तो बड़े पैसे देता है, मुझे $10,000 मिल गए जी। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्किल। मैं इस बात को बारहा एम्फसाइज करता हूं, सीनियर प्लीज आंसर। पीएचपी सर 5-6 महीने लगेंगे आपको, एचटीएमएल से पीएचपी तक जाने में आपको 5-6 महीने लगेंगे। जिसका अपवर्क का अकाउंट रिजेक्ट हुआ है वो शानी बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, इकबाल साहब हैं अगर वो भी हैं बैठे हुए हैं अभी तक, तो वो हेल्प आउट कर देंगे जी। Yeah, Doc, you're surprising me with your comments, actually. I would, you know, I have to ask this. How do you know about all this?
I mean, I have to ask this. I'm sorry. नहीं यार, वन वीक फॉर एचटीएमएल वन पे ये तो बेसिक थोड़ा कम हो गया डॉक, लगता है 3-4 महीने लग जाते हैं सीखने में. सर कैन आई अटैच रिज्यूमे सीवी इन अटैच? बिल्कुल करो, कोई मसला नहीं, अटैचमेंट कीजिए सर. साकिब साहब कोई इशू नहीं है सर, बिल्कुल कीजिए सर. सर freelancer.com पे बहुत ज़्यादा फेक प्रोजेक्ट्स हैं, अवॉइड करें तो बेहतर है जी. उससे ज़्यादा बेहतर guru.com है जी. इज इट गुड टू शेयर पोर्टफोलियो एंड प्रोफाइल? जी बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है और अब वक्त नहीं है इसको माइंड कर रहा. अब एक वक्त था करता था, अब नहीं करता माइंड जी. अपवर्क इज ऑल्सो गुड फॉर न्यूबीज. फातिमा पीपल पर आर को भी जी किसी एक दिन डिस्कस कर लेते हैं. मिर्जा तजीम बिल्कुल कर लेते हैं, किसी एक दिन बैठ के पीपल पर आर को देख लेते हैं. शानी सबके अकाउंट अप्रूव करो. इकबाल भाई हमेशा मदद करते हैं सबकी, शानी करता है. ये दो चैंपियंस हैं यार. वैसे क्या डायलॉग है देखा, इट्स वन ऑफ द लाइफ टाइम्स नहीं क्या कहते हैं, इट्स वन ऑफ द लाइफ्स मिस्ट्री. हाँ, जिसमें आखिर वो कहता है कि यार तू मरेगा, कहता नॉट मे बी सून बट नॉट टुडे. बट आई एम इम्प्रेस्ड डॉक, एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दैट ऑफलाइन. मे बी सून बट नॉट टुडे. ज्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म ही दिखाते हैं ये लोगों के लेवल पे बात करनी. अच्छा जी, एसईओ कर लेता हूँ जी सना, बिल्कुल कर लेता हूँ. मैं थोड़ी सी चाह ना पी लूँ, दिमाग नहीं चलेगा मेरा वरना. सर एसईओ अच्छा डॉक, मैं जस्ट लेट यू नो आई एक्चुअली एंडेड अप ब्रेकिंग माय टेंडन जस्ट आउटसाइड माय रिब एंड इट वाज टेरिबल. आई कुड हार्डली मूव फॉर अ वीक. फिर उस पर पेन किलर लग रहे थे, मस्कुलर लग रहा था. हुआ क्या, आई वाज डूइंग दोस पुशअप्स और कोई 20वें 22वें पे ना क्रच की आवाज आई. मैंने कहा यार रिप ना टूट जाए किधर, ऊपर से ऊपर वाले ने खांसी दे दी. इट वाज टेरिबल, इट वाज यू नो वर्स्ट वीक इन इयर्स. एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉपरली लर्न करने के लिए कितने मंथ चाहिए? ये कैसे सवाल आप पूछना शुरू हो गया दोस्तों? सीखने को 2 हफ्ते में भी सीख सकते हो, और प्रॉपरली आज तक नहीं सीखा गया. ना एसईओ सीखी गई है किसी के, और ना डिजिटल मार्केटिंग सीखी गई है. क्योंकि मैं पाकिस्तान के जितने भी बायनाज चैंपियन है जिन्होंने 401 और 501 रन मारे हैं एक इनिंग्स में, उनको मैं कहता हूँ कि बीइंग गुरु की एसईओ करो, तो वो कहते हैं जनाब 4 साल लगेंगे. तो मैं तुम लोगों, मैं कुछ नहीं बोलेगा, मैंने कुछ नहीं बोला, अपन चुप हो गया. Sir, I've got 360 free connects after ID approval from Upwork. Sir, is that necessary to get at least one order with limited? नहीं, बिल्कुल necessary नहीं है. You can end up not even getting a single response. It's okay. अब नहीं है ये मसला. ये तो मैंने इनका ब्लॉग कवर भी किया हुआ है और मैंने पढ़ा हुआ भी है, इनके CEO ने ये बोला हुआ है. अब कोई मसला नहीं है, अब आप बिड करें, अब ये बंद नहीं करेगा. इसका मसला ये था कि इसको पैसे चाहिए थे, और क्योंकि ये पब्लिक जा रहा है जी, नेस्टेक में जा रहा है. अब ये अंदर की बातें हैं, जब इसे नेस्टेक जाना था, पब्लिक होना था, तो इसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी जी. ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है शहबाज अली, कि freelancer.com पे लोग फेक प्रोजेक्ट बहुत पोस्ट करते हैं जी. अब वक्त जरा कदरे बेहतर है जी, अब guru.com भी बेहतर है. सर अब वक्त पे 2 मंथ से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, जॉब्स का हर रोज बिडिंग देखो अब मेरी वेनसडे तक खुशी, और तुम्हें पैसे मिल गए मुबारक हो, सबको ट्रीट दो. अच्छा guru.com को आज नहीं डिस्कस करूंगा, गालिबन पीर को कर लेता हूँ कल के दिन. आज मेरा वक्त भी दिल कर रहा है. ठीक है जरूर सर, मैं डिली देता हूँ प्रूफ, 3-4 को हो गया था जी. बहुत शुक्रिया शानी, यू आर अ चैंपियन. इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो जी आप लिखें, पढ़ें, सुने, बोलें, फिर ही बेहतर हो सकती है. तब तक फ्रीलांसिंग ना कीजिए. ठीक है, अच्छा ठीक है डॉक, चलो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं. अच्छा जी शहबाज साहब, आपको अभी तो रिप्लाई किया था मैंने, नहीं किया, ऊपर कोई ऐसी तस्वीर तो गुजरी थी. हाँ फेक प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैंने बताया तो है, आते हैं freelancer.com पे.
सर फोर्थ बैच में एसईओ और फ्रीलांसिंग में इनरोल हूँ, क्या मैं इस बैच में एसईओ और फ्रीलांसिंग पर मेहनत करके ऑनलाइन अर्न? बिल्कुल फहद मेरे भाई, क्यों नहीं कर सकते? सिखाया इसलिए है कि आप पैसे कमाएं, अपने पैरों पे खड़े हों और उसके बाद आप काम करें सर। सर एसईओ और ग्राफिक डिजाइनिंग सर दोनों बहुत अच्छी हैं। फहद साहब बिल्कुल सही है, दोनों बहुत अच्छी हैं जी। अच्छा जी, अब आते हैं वापस बिडिंग पे। ओके लोड जो भाई पर मोबाइल कंसर्नर QR scanner security, okay, that's fine. मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, but I'll leave that for another day. अच्छा ये बड़ी अच्छी, अच्छा बात सुनिएगा, WordPress के साथ साथ ना Wix भी सीख लें जी, बड़ी सिंपल है, कोई बिल्कुल बचकाना किस्म की साइट होती है जी Wix की, मैं इस पर बिट करूंगा। ये सिंपल प्लग एंड प्ले है, बल्कि WordPress से भी ज्यादा इजी प्लग एंड प्ले है। अमूमन अगर आपने कभी एड देखा हो मुमकिन है YouTube में, जिसमें वो आता है कि If you got a website, fine enough, you are fine to skip this ad. ये बड़ा अच्छा है जी, US में तो मैं इस पर बेट कर लेता हूँ। ये नहीं जी, 100 ही इस पर बेट करेंगे, एक हफ्ते में इस पर काम करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट रिस्पांस दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है ना। अब ठीक है, इन पीएचपी ऑफ पीएचपी नहीं होता, ऑफ पाकिस्तानी इंग्लिश होती है दोस्तों। बहरहाल ये ठीक था। सो समटाइम्स शॉर्ट प्रपोजल इज ऑल्सो नेसेसरी जी। जी ठीक है इब्रार, जिंदगी रही तो मंडे को ना कल गुरु पे भी करूंगा, पहले तो मैंने आपको खत्म करना है पर गुरु पे भी करूंगा जिंदगी रही इंशाल्लाह। क्यों टेंशन क्यों लेते हो यार? सर आप कुछ दिन पहले किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट को बकवास कह रहे थे, शायद freelancer.com करो। फ्रीलांसर कोई जी, बहुत ज्यादा फेक है, बहुत ज्यादा फेक है और ये कुछ करते नहीं है इसको ठीक करने के लिए। सर मेरा एक अपवर्क का अकाउंट ज्यादा प्रपोजल सबमिट करने की वजह से रीएक्टिवेट तो नहीं होगा, अब आप नई आईडी से शमशेर बना लो, पुराना नहीं होता। सर हमें कुछ बिड सैंपल मिल सकते हैं जी? मैं आप दोबारा वीडियो देखें दोस्त शहबाज साहब, मैंने बहुत ज्यादा बिड सैंपल दिया, हर बिट सैंपल को मैंने पेस्ट किया है जी और ये फिर पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो हर एक को जैसे जैसे बिट कर रहा हूँ पेस्ट कर रहा हूँ। हनान कहते हैं जी ब्लॉगिंग और यूट्यूब के अलावा ऑटोमेटेड मनी ऐप बनाए जी, और ऐप
प्रॉब्ली गेम बनवाई किसी से, मोबाइल गेम iOS की और एंड्रॉइड की, उस पे इन ऐप परचेजेस होने चाहिए कि इतने लेवल के बाद जब आपने पहाड़ चढ़ना है तो आपको 0.05 टोकन देना पड़ेगा, और उसके बाद आपने अल्लाह खैर सलाम वो की वो आपके जिस तरह खरीदी जाएगी, क्या कहते हैं ऐप, तो उसमें से आपको पैसे मिलते हैं। ये बड़ा सिंपल है। मेरे एक दोस्त था हू यूज्ड टू एक्चुअली डू अराउंड 1000 डॉलर्स, गेम्स कीबोर्ड्स बहुत सारे काम करते थे वो iOS और एंड्रॉइड ऐप्स के। ये हनान वैसे बड़ा प्यारा सवाल पूछा तुमने, अच्छा है कुछ लोगों को लीड मिल जाएगी, मतलब अगर आपको खुद गेम नहीं बनाना आती बनवा लें। स्पेल चेक के लिए ग्रामरली अर्शद भट्टी साहब, ग्रामरली GRAMMARLY ग्रामरली, ठीक है सर। ये फ्री विजिट है, क्रोम का होता है सर। एडसेंस देखो, एडसेंस आपको पर व्यू पर क्लिक पैसे देता है। Amazon affiliate ना पर व्यू देता है ना पर क्लिक देता है, बल्कि वो एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का लिंक आप रखोगे उसकी एक सर्टन परसेंटेज खरीदारी पे आपको मिलेगी। दोनों अलग चीज है। बेस्ट टाइम टू पोस्ट प्रोजेक्ट ऑन फाइवर, सर आप किसी भी वक्त फॉरवर्ड प्रोजेक्ट पोस्ट करें, आपको बेतहाशा लीड्स मिलेंगी इस पर। सर किस टाइम ऑनलाइन आएंगे, 12 बजे स्टैंडर्ड टाइम है। अच्छा जी, एहसान परवेज कहते हैं यार दोस्तों इसे जरा सा एक्सप्लेन करो प्लीज, आई नीड अ वेबसाइट कंटेंट बिल्डर फॉर माय अपकमिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कंटेंट बिल्डर, देखो कंटेंट बिल्डर यार एक सेकंड, कंटेंट बिल्डर उसको सिर्फ एक ऐसा बंदा चाहिए जो लिख ले। एहसान परवेज साहब, तो अगर आपको लिखना आता है तो बस आप कंटेंट डेवलपर की बात समझ लें। सर वन थिंग आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग अपवर्क, जो मुझे परेशान करती है कि अगर मैं अपनी प्रोफाइल 100% होगी तो मुझे प्रोजेक्ट मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। किसने कहा? मैंने आपके सामने रमजान में बिड किया, मेरी प्रोफाइल प्राइवेट थी, पब्लिक नहीं थी, आपके सामने बिड करके मुझे जवाब मिला जी, तो मैं नहीं इस बात को मानता क्योंकि मैंने खुद किया हुआ, आप लोगों के सामने किया हुआ, वीडियोज पड़ी हुई है इसी ग्रुप के अंदर किया रमजान शरीफ में, और इनमें से बहुत सारों ने देखा भी होगा, जिन्होंने देखा था वो बिड जो हमें मिली थी अवार्ड हुई थी और स्पिरिचुअल वाली, तो वो जरा हाथ खड़े करें यार ये उर्दू में क्यों लिखते हो यार, अल्लाह के बंदे तुम लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है, खेत का स्वाद तुम लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है, मतलब क्या 10 लाइनों के तुमने मुझे रोमन उर्दू में लिख दी, इसको इंग्लिश में करो मैं लिखूं या फिर प्रॉपर उर्दू में लिखूं। Thanks for reading my response to your project. I own a small company. ये क्या हो रहा है? अच्छा ये मेरा ही हुआ। बहुत शुक्रिया शानी। Is Grammarly good for plagiarism checking? नहीं, plagiarism के लिए नहीं है। Plagiarism के लिए small SEO tools है। यहाँ पे जाओ, Google लिखो, check website, check plagiarism। मैं अगर check लिखूँ ना तो मेरा यही नजर आता है, क्योंकि मैं Bing Guru के final में ही publish करता हूँ ना, जितने writers मुझे submit करते हैं। तो मैं फिर क्या करता हूँ, ये स्मॉल SEO टूल्स पे गया जी, इनका एक बक्सा सा है, यहाँ पे मैंने लिखा ये, यानी कि कॉपी पेस्ट किया जी, उसके बाद ये नीचे थोड़ा जाएं तो ये लिखा आता है चेक प्लेजरिज्म, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे खुद ही बता देगा जी कि ये प्लेजराइज कंटेंट है कि नहीं है, और दैट्स अबाउट इट। ठीक है, अच्छा जी हमजा सर, मेरे पास 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ मंथली कुछ ना कुछ अर्निंग आती रहे। हमजा बहुत सारे तरीके हैं, मैं अगर अच्छा अगर ऑनलाइन की बात करूँ, चलो 2 मिनट के लिए मैं 2 बिजनेस डेवलपर्स हायर करूँ और उनको लेट से 20,000 तनख्वाह दूँ और पर प्रोजेक्ट परसेंटेज दे दूँ, या 10%, 20% कुछ भी, और उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपर, और उसके साथ मैं रखूं जनाब 30,000 का ग्राफिक डिजाइनर या वेब डेवलपर, ये टोटल बना 70, या चलो 2 बिजनेस डेवलपर ना रखो ना, एक रखो 50 हो गया,
2 महीने का आपका खर्चा हो गया 1 लाख रुपया। अब 2 महीने में अगर वो बिजनेस डेवलपर दिन रात बिडिंग कर रहा है नोइंग यू कि तुम नहीं जानते हो इस काम को, तो वो काम लेके आ रहा है और दूसरा काम कर रहा है, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली कारोबार कारोबारी चमन चल जाना चाहिए। ये मैंने बहुत वैसे पते की बात की। सर गुरु का समझाएं थोड़ा, जब वक्त आएगा तो समझाएंगे, अभी मैं अगली लाइन नहीं पढ़ रहा, कल पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे जब गुरु पाएंगे। तो देखो मुझे बाजू का गुस्सा क्यों चढ़ता है, इसलिए चढ़ता है कि एक तो नंबर इतना ज्यादा होता है आप लोगों का, माशाल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, सारा सीखना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि वो एलोन मस्क वाला न्यूरो प्रोडक्ट है वो ले लो, मेरा दिमाग से सारा डाटा ले लो, मैं भी चाहता हूँ कि कौम का फायदा। पर अगर मैं बात अपवर्क की कर रहा हूँ तो फाइवर पर क्यों मस्ती करते हो यार? अब अगर मैं बात जिस दिन फाइवर की करता हूँ तो फिर अपवर्क की मस्ती क्यों करते हो? अब अगर मैंने कल guru.com की बात करनी है तो अपवर्क की मस्ती क्यों कर? जिस चीज को सिखा रहा हूँ उस दिन उसी पे खलो ना, रुको। Will you tell about web design and web development? Yes sir, अच्छी चीज है सर वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट, सीखें इसको, ये वेबसाइट बनाने के काम आती है और उससे पैसे कमाए सर, बड़ा अच्छा काम है। अगर आप नहीं समझते स्किल को तो कोई कोर्स ले लें, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, udemy.com, UDEMY, फिर lynda.com, LYNDA.com, यहाँ पे कोर्सेज हैं, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं, आप उन कोर्सेज को लीजिए और वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग सीख लीजिए। नहीं तो ये डीजी स्किल्स सरकार का बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है, पर इस दफा इस इनरोलमेंट बंद होगी तो आपको 3 महीने रुकना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि आप कितनी देर रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते, विच आई एक्चुअली यू नो आई अपोज दैट आइडिया कि ये कौन सी उनकी दानिशमंदी है कि क्लासरूम चला रहे हैं। यूडेमी की तरह ओपन कोर्स रखो, जो आए लेता जाए, कंप्लीशन करे 3 महीने में, 12 वीक्स, हाँ जी 3 महीने में, और जाए सर्टिफिकेट ले। ये क्या बैच बैच चला रहे हैं, क्या मिलेगा इससे? लेकिन वो नहीं, मेरी बात नहीं पहुंची, या शायद उनका कुछ और वजह होगा। अरे गुरु के कल बात करेंगे सर, अमाद साहब। नहीं, उसा मैंने क्या करना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज अपवक की बात होगी, अपवक पे और ये तरीका कार, क्योंकि मैंने हर रोज लाइव आना है वेनेसडे तक, ये समझ लो मैं जिस दिन जिसके ऊपर वो लिखूंगा ना टाइटल, अब अगर मैंने अपवर्क की बात की है तो अपवर्क की बातें करूं मेरे से। कल मैंने अगर फाइवर पे बैठूंगा तो फाइवर की बातें करूं, अगर मैं बैठूंगा पीपल पर आर पे जो के मैन मुमकिन है मैं करूंगा, और फिर होगा जनाब गुरु डॉक्टर, सब सिखाऊंगा। बस सीखने वाले बनो और गौर से सुनो। अच्छा जी, वीक अगो माई प्रोफाइल वॉज सेट टू प्राइवेट एंड नेक्स्ट आई मेड अ बिड एंड गॉट द प्रोजेक्ट आफ्टर द डिलीवरी, माशाल्लाह जी आई गॉट इट पब्लिक इन 5-star रिव्यू, नाउ आई हैव 1.5 रिव्यू एंड रोट द प्रपोजल फॉर। किस वाले की बात कर रहे हो शहजाद भाई? फाइवर है क्या है? अ वीक अगो माई प्रोफाइल वॉज सेट टू प्राइवेट एंड द नेक्स्ट आई मेड अ बिड and I got the project after the delivery, I got it public, 5-star review, now I have 1.5-star reviews, yaar English likhna bhi bahut zaruri kaam hai, now I have 1 5-star review and wrote the proposal for more job posting and still haven't received any response on that, jobs are still there and trying to disappear, it happens, I mean keep trying, isme koi aisi cheez nahi hai main aapko batau, if you have won one you can win probably 1000 more. तो प्रोफाइल नहीं बन रही अब पक्की, प्रोफाइल बनाने में क्या मुश्किल काम है चौधरी साहब? सिंपल है, जाएं और साइन अप करें। अच्छा जी, मिर्जा तजीम BTC और इसके बाद में पढ़ूंगा जी, BTC का वक्त है आज मेरे दोस्त। सर सॉफ्टवेयर हाउस के लिए किसी बाहर की कंपनी से एफिलिएशन कराएं या अपनी तरह अपनी करें जी अपवर्क से? बाहर का क्या अच्छा जी जी सर, वुड लाइक टू सी द अट्रैक्टिव प्रपोजल, ये ने क्या बात की थी? हाँ पीपल पर आर करेंगे इंशाल्लाह, किसी एक दिन बेड पे जरूर करेंगे। जी सर वुड लाइक टू सी दी अट्रैक्टिव, मैंने बहुत सारे अभी प्रपोजल किए हैं, आप
इस बिट को दोबारा देखा ना, सॉरी स्ट्रीम को दोबारा देखा ना, चलो एक और कर लेते हैं, मैं तो फारिग बैठ क्या है सिखाने में और काम करने में, क्या है हर्ज कोई नहीं, लेट्स डू इट अगेन। चलो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन द लोगो टू सी द लेटेस्ट रिफ्रेश्ड, कोई आ जाए तो अच्छी बात। उसके बाद बी टू बी डायरेक्ट सेल्स, दैट्स नाइस, फ्रंट एंड डेवलपर, एचटीएमएल, डेनमार्क। जरा एक सेकेंड ये देखते हैं जी, आओ I'm looking for front-end developer with skills in HTML, 5, CSS, 3 to apply PhD design. इसमें क्या मुश्किल है भाई? Informal syntax for my phrases. ये PWA है क्या? PWA and AMPM. मैंने नहीं समझा ये PWA क्या है? पता नहीं. अच्छा मोबाइल फोन की है. ओके सो एम की एक स्टैंडर्ड 1 सीएसएस होती है और पीडब्ल्यूए जो है वो सर्वर साइट पे चल रहा है, तो एम क्या है वो क्लाइंट साइट पे चल रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग, होल्ड ऑन सेकंड, ओके आई रियली फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, आई वांट टू सी ये कहानी क्या है। दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली, सो इट मींस कि अब स्ट्रीमलाइन सीएसएस सेंट्रल भी हो सकती है और सर्वर साइड भी हो सकती है, यानी के यार अच्छा चलो मैं आपका टाइम ही जाया करता हूं, मैं भूल ही गया था। वुड यू बिलीव दिस गाइस, आई एक्चुअली फॉरगॉट आई एम लाइव, आई एम सॉरी I actually forgot कि मैं सीखने के चक्कर में ना मैं भूल ही गया था, शुक्र कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल दिया मैंने। अच्छा चलो यार आओ, सवालात नहीं आपके खत्म हो रहे, सवालात ले लूं उसके बाद इजाजत चाहूंगा। हाउ टू गेट प्रोजेक्ट फ्रॉम अपवर्क, हम नवाज साहब यही काम कर रहे हैं तो हर रोज बेट करेंगे इंशाल्लाह, सीखते हैं कैसे काम हो सकता है जी। कार्टून जैसे इसको मैं गलत जगह पे क्लिक कर दिया मैंने, वन थिंग आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग अपवर्क जो मुझे परेशान करती है कि अगर मेरी प्रोफाइल 100% होगी तो मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा। नहीं ये ऐसा नहीं है, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ मिर्जा तजीम, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्त। अच्छा जिसकी प्रोफाइल नहीं बन रही ना वो बनवा दे, अप्रूव कर की बात हो रही होगी तो वो शानी से या इकबाल भाई से कांटेक्ट कर ले। सर आप दोनों से मेरी गुजारिश है, मैं आपको बारहा शर्मिंदा कर रहा हूँ काम कह के, पर ये भला दुआएं देंगे आपको लोग, ये मेहनत थोड़ी सी कर दे सर।
नहीं, मेरी टीम है शानी। शुरू में मैं करता था सिर्फ डेवलपमेंट और डिजाइनिंग, फिर वक्त के साथ कर करके पता लग गया, और अब टीम है, अब तो जाहिर है कंपनी है जो ये काम करती है। अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव कराने के लिए बिलाल भाई, ऊपर शानी बट साहब जिंदाबाद, हमजा भाई शानी बट साहब जिंदाबाद। हाउ कैन वी गेट प्रोडक्ट फ्रॉम अली बाबा टू अवर वेबसाइट? ड्रॉप शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एक बार। अच्छा, प्रोफाइल सानिया पता क्यों प्राइवेट है? वो इसलिए प्राइवेट होती है कि अगर आप इनबॉक्स मैसेजेस आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट नहीं विन कर पाए, तो उसको वो प्राइवेट कर देता है। थोड़ा सब्र करो, खुद ब खुद पब्लिक हो जाएगी। एक दो प्रोजेक्ट्स विन करें, पैसे मिल जाए तो खुद ही पब्लिक हो जाएगी। सर डोंट माइंड, आई एम जॉपिंग टू यू टू मेक यू फ्रेश। अच्छा ठीक है सर, जिंदाबाद सर। सर कंटेंट बिल्डर नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये विजुअल की बात करें, ये तो सिंपल कंटेंट डेवलपर की बात कर रहा है, आप पूछ लें उससे। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कोडिंग से रिलेटेड बात कर रहा है। वही मैं डॉक, मुझे पता, मैंने अभी गूगल किया है कि प्रोग्रेसिव वेब वेब करते कैसे हैं, क्योंकि सर्वर साइड हो रही है ना, तो नॉट श्योर इफ यू नो द टेक्निकल डिटेल्स, बट सर्वर साइड मींस कि इट फेचेस द कोड एंड दी स्ट्रिंग्स बैक फ्रॉम अ सर्वर रादर देन वी राइटिंग इट विद इन दी ऐप। अब ये मोबाइल के लिए यूज कर रहा है, यानी कि इसकी आने फ्यूचर की मैं बात करूं, इसको हाइब्रिड ऐप बनवानी है, ठीक है, क्योंकि नेटिव में इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स अ मोबाइल थिंग राइट। अब ये चाहता है कि सब की सब इन्फो जो है ना वो सर्वर से फैच हो रही हो, इसके कोड मिनिमम हो, 5 लाइनों का कोड हो, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, अगर टेक्निकल ना हो मैं ज्यादा। सो ये सर्वर साइड जो है ना, ये नया तरीका है टू फेच द कोड फ्रॉम क्लाउड, क्योंकि सेंस मुझे अब समझ लगी है। हाँ ये तो एम तो समझ लगी, मैं उसकी पहले वाले की बात कर रहा था, PWA की। हाँ देखो, मिर्जा तजीम कल एक खातून थी खुशी, उनका भी ये इशू था, और हमने उनको यही मशवरा दिया कि बारहा फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट किया करो फाइवर वालों से। तो उनको कल पैसे रिलीज हो गए। खुशी अगर अभी भी हो तो मिर्जा साहब को बताओ कि क्या किया आपने जिसकी वजह से आपको आपके पैसे रिलीज हो गए, बताओ अभी। शाबाश, कल लोगों ने आपकी मदद की थी, आज आप इनकी मदद करें। एम्प इज अ वेब कंपोनेंट फ्रेमवर्क टू इजली क्रिएट यूजर वेबसाइट स्टोरीज एड्स ईमेल्स। अच्छा ठीक है, अब मुझे जो कल जिसने ब्रीफ करना है ना, खुद ही ब्रीफ करेगा फिर मुझे समझ लगेगी, ठीक है, पर मुझे थोड़ी थोड़ी समझ लगी। PWA की तो लगी, एम्प की नहीं लगी। कोई बात नहीं सर, मैं हाजिर होके भी कोई काम होने तो हेल्प चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। क्यों फियर क्यों है भाई अपवर्क से, क्या मसला है? सोल्यूशन किस चीज का? काम करो, देखो, जब काम करोगे, एक प्रोजेक्ट विन करोगे, उसके बाद खुश हो जाओगे। इकबाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें। बिडिंग अपार्ट लेकिन गपशप वाला सेशन इनरिच विद योर डाइवर्सिफिकेशन ऑन अनदर लेवल। अच्छा शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। इकबाल भाई ड्रॉप शिपिंग के लिए अली बाबा, मैंने आपसे सवाल पूछा था, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद मैं नहीं कर पाया बिकॉज ये जरा फुल टाइम काम है। ऊपर से ड्रॉप शिपिंग में कंट्रोल नहीं रहता ना आपका, ना आपका कस्टमर सर्विसेज पर कंट्रोल है, और क्लाइंट जो कि ऑर्डर करता है आपकी वेबसाइट पर, वो समझता है कि कंपनी आपकी है। अब गंदी प्रोडक्ट चीनी भिजवाते हैं, गालियां आप अंग्रेजी में सुन रहे होते हैं पाकिस्तान में रह के। तो मैंने सर ज्वेलरी का थोड़ा सा काम किया था, सेकंड हैंड ज्वेलरी का, एक साइट थी cordearring.com, उस पर मैंने अली बाबा का एक डीलर था उसकी साइट से जाके बल्क प्रोडक्ट्स लिए जी, और उसको मैंने अपनी साइट पर रखी। 5 साल या 4 साल पुरानी बात है, तो एक दो ऑर्डर गंदे आए, नहीं मजा आया उसमें। फिर वो जो एक्चुअल रीसेलर है, होलसेलर है सॉरी, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, वो चीनी है, उसका काम भी चीनी है। बाकी अब आप खुद होशियार हैं, अली बाबा के अलावा कुछ सोचने की बेहतर है। फिर इनका एक प्लगइन भी होता था, हाँ ये देखो AI ड्रॉपशिप,
इनका एक प्लगइन भी होता था, पर वो प्लगइन तो सिर्फ पुल करने के लिए होता था ना उस प्रोडक्ट को फ्रॉम द रीसेलर। मैंने क्या किया था, मैंने उस डेवलपर उस होलसेलर के साथ अलग सेलेक्ट की थी, उस होलसेलर की साइट से मैं उठाता था, इसकी इंडिविजुअल साइट भी होती है, और उसको उठा के फिर मैं यहाँ पे अपनी साइट पे पेश करता था। सब प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, सानिया देखते हैं ना, हम भी अब रोज बिड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अली बाबा जी बी टू बी है, ई कॉमर्स नहीं है, अली एक्सप्रेस इज ई कॉमर्स, इट्स बी टू सी। बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। अब चूंकि इकबाल बिजनेस करना चाहते हैं तो वो अली बाबा से ही करेंगे, कि वो अली बाबा की बल्क की प्रोडक्ट्स अपनी साइट पर रखना चाहते हैं। अगर वो इंडिविजुअली एज अ कंज्यूमर कुछ खरीदना चाहें तो उनको अली एक्सप्रेस पे जाना होता है, और मैंने अली एक्सप्रेस से इतनी शॉपिंग किया। जी मैं हनान, मेरा नहीं ख्याल, मैं वापस नहीं आऊंगा शायद, और अभी मैं सवालात ले रहा हूँ, थोड़ी देर में बैठा हूँ अभी। सर बिट को एक, सर बिट को एक मीटिंग में क्लोज करने के लिए कुछ टिप्स दें। तो उसके सोच, अच्छा नहीं ठहरो शहजाद भाई, अब हम बिडिंग कर रहे हैं ना, दुआ करें हमें किसी का जवाब आ जाए, पीएमबी खुल जाए, वहीं पे सारी बात करेंगे। अब हम रोज बिडिंग करेंगे ना, हमने वादा किया, तो कोशिश ये करते हैं कि अल्लाह करे कोई पीएमबी खुल जाए, ना हुआ तो जो रब को मंजूर, सारी डील कारोबारी डील हम उसी में सीखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा तो समझ नहीं लगेगी। वैसे मैंने रमजान में ये एक्सरसाइज कर चुका हूं, पर लेट्स डू इट अगेन इंशाल्लाह। लो जी जीशान भाई ने कोई एक लिंक दे दिया है, तो लोग इसको भी फॉलो कर लें ताकि बाकी दोस्तों को परेशानी ना हो। सर आई एम बिगनर एंड स्टिल वर्किंग, सो आई कैन वर्क इन वर्क। इसमें मेरा है निकला है वैसे एहसन रहमान, और है भी मेरा ऐसा निकला जैसे वो परेश रावल का नहीं निकलता। आई एम अ बिगनर एंड माई स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग, सो आई कैन वर्क इन वर्क। शानी इकबाल भाई एआई ड्रॉप शिपिंग प्लगइन यूज करें, ड्रॉप डायरेक्ट प्लगइन है ना तो वो यूज कर लें, पर मेरे भाई अभी भी ख्याल अली बाबा से ज्यादा अच्छा है बंदे के साथ डायरेक्ट हो जाए। अपवर्क पर क्योंकि प्राइस अच्छी मिल जाएगी तुम्हें, अपवर्क पर कनेक्ट बाय करते हैं सर जी? बिल्कुल करते हैं, अपवर्क पर कनेक्ट बाय करते हैं, और करने पड़ेंगे, 0.15 सेंट्स पर कनेक्ट है जी। दोबारा लाइव सर, नॉलेज वाला लाइव तो नहीं सर, बस कल 12 बजे दोबारा बिडिंग करूंगा, कल शायद दोपहर को भी बैठ जाऊं। मुझे ये सर कनेक्ट खत्म करने, मेरे पास 4 दिन काम क्यों नहीं है, और मैंने बुध तक नहीं कनेक्ट खत्म करने, मैं देख क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा है अपवर्क पे, मुझे कुछ थोड़ी सी भिनक हो रही है, मतलब मेरा कंसर्न क्या है मैं बता देता हूँ। मैंने पहले भी बोला कि तुमने एक हथौड़ा रख दिया फ्रीलांसर की गर्दन पे कि अब कनेक्ट खरीदो और बिड करो, तुमने हथौड़ा क्लाइंट की गर्दन पे क्यों नहीं मारा? इसलिए कि वो तुम्हें पैसे देता है। अब अगर कोई फेक है, मैं फेक अग जाता हूँ, प्रोजेक्ट पोस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे beingguru.com जैसी ब्लॉग की साइट चाहिए, मेरे पास इतना बजट है $5,000, $5,000 का मतलब सीधा सीधा उसके चाहिए कनेक्ट, और मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो तुमने 2 हफ्ते में ख़त्म करना है, और मैं बड़ी फैंसी सी इंग्लिश लिखूँ 2-4 और उसके बाद मैं भूल जाऊँ, आप में से कितनों के कनेक्ट जाएंगे मुझे ये बताएं। इस बारे में मुझे बस समझना है इस सारी गेम को। हनान अभी नहीं, लाइफ का भी सवाल नहीं, और यार मैं मतलब लव गुरु थोड़ी ना हूं लाइफ के सवाल आते। हाउ मेनी डेज क्लाइंट गेट प्रोडक्ट फ्रॉम अलीबाबा? क्लाइंट नहीं अलीबाबा, अलीबाबा आपको शिप करता है। मैं आपको बता रहा हूँ सीधा रीसेलर के साथ डायरेक्ट हो जाएं, सारी उम्र याची करेंगे। स्पेसिफिक इमेज साइज फॉर अपवर्क पोर्टफोलियो, कोई साइज नहीं है डालें, खुद ही उसको रिसाइज करता हो। सर आई कैन यू चेक माय पोर्टफोलियो वंस प्लीज इन लाइव वीडियो, आई एम ग्राफिक डिजाइनर, आई एम 18 years एंड level 17 माई पोर्टफोलियो भी यहाँ बैठूंगा। ये क्या था सामा भाई मेरे, है किसी
सर अपवर्क के लिए इसलिए डर लगता है क्योंकि बार बार अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, और इंग्लिश का इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं, मुझसे नहीं बोली जाती। अच्छा ना डरो यार, guru.com पे जाओ, guru.com पे जाओ, जाओ उस पे जाओ। लव गुरु नहीं, अब लाइफ गुरु। यानी वैसे मेरे साथ कैसे एसोसिएट हो गया? अभी पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी गया हुआ था, उस पे भी ना पर्सनल सवाल शुरू हो गए लाइफ से रिलेटेड। ये असल में मेरे कसूर मेरा भी है कि मैं जबड़ियां मार देता हूँ ना प्रोफाइल में, तो लोग चलो। अच्छा पूछो पूछो सवाल। फातिमा कहती है, टू न्यू बीज कैसे बाय करें मीन इफ यू डोंट हैव मनी? जी आपको कार्ड से लेना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। और फातिमा अपवर्क ने इसलिए किया ताकि क्वालिटी मेंटेन हो, हर दूसरा बंदा बिड ना करे ना, वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं अपनी मार्केट प्लेस में। जी सर, ये अपवर्क बायर्स के मुताबिक कोई एक्शन बनता है, आप कुछ पोस्ट करें? जी इंशाल्लाह करूंगा ना, पहले समझ तो लगे किया क्या इन्होंने, इसीलिए तो सारे काम कर रहा हूँ। कॉन्टेक्ट सेलर हो जाता है, जाके ढूंढे उसकी कॉन्टेक्ट इन्फो मिलती है, उसको पीएम मैसेज भी हो जाता है, क्या मैं ऑर्डर बाय करने लगूँ लेकिन इस तरह करो मुझे अपना नंबर और ईमेल दो, वो जब आपको ईमेल देगा उसके बाद कहना भाईजान कहानी ये है कि मैं यहाँ पाकिस्तानी और मैंने ये काम इतना करना है, प्रोडक्ट तुम्हारी, साइट मेरी, बिजनेस तुम्हारा, पैसे मैं तुम्हें तुम्हारे दे दूंगा, उसके ऊपर मैं अपना पैसा रखूंगा और आपने फिर अपनी साइट पे बेचना है। वैसे भी अगर आप अलीबाबा की वो शिपिंग वो भी लोगे एआई सॉरी एपीआई, तो उस एपीआई को जब आप अपनी साइट पे एम्बेड करोगे तो पेमेंट प्रोसेसिंग कौन करेगा? मुझे तो ये भी नहीं याद, बड़ा अरसा हो गया। और नहीं, फेक गुरु नहीं आएंगे यार, बीन गुरु की आएंगे। तुम लोग सीरियस हो गए? फेक गुरु बीन गुरु की आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात भी अच्छी बताई, राइजिंग टैलेंट बन जाए 30 आपको फ्री कनेक्ट मिल जाएंगे, ये भी उनके ब्लॉग में लिखा हुआ है। ये देखिए ना, आप इधर जाइए ना जी, अपवर्क कनेक्ट, इसको लिखें, आप सीधा अपवर्क के ब्लॉग पे जाएंगे, पहले वाले पे जाएंगे, और ये आपको सारे वो 5-6 बुलेटेड पॉइंट्स थे जिसमें वो बता रहा था कि ये देखें ना, 0.15 एक कनेक्ट है जी, और मैं क्यों पढ़ूं, हो जा मैं तो ट्रांसलेटर लगाऊंगा। यार जी पढ़ो, खुश रहो। राइजिंग है सर, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई वांट टू डू एवरीथिंग, आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग, समटाइम्स आई फेस प्रॉब्लम्स टू फोकस ऑन वन थिंग, हाउ कैन आई फिक्स इट? दुनिया में जो भी इंसान कामयाब हुआ है ना, हमारा दुनिया में जो भी इंसान कामयाब हुआ उसने एक स्किल पकड़ी और उसके बारे में इतनी जानकारी हासिल की कि वो ऑटोमेटिकली पैशनेट हो गया उस स्किल के बारे में, और फिर उसने उस काम को पकड़ के कामयाबी हासिल की। बिल गेट्स एप्पल आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना रहा था, वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा था 1977 में। स्टीव जॉब्स एंड्रॉयड नहीं बना रहा था, वो मैक और उसके बाद आईओएस बना रहा था, आईपॉड बना रहा था, क्या कहते हैं वो, आईपैड बना रहा था। एंड्रॉयड वालों ने भी ये काम किया, गूगल वाले ने फेसबुक नहीं बनाई थी, उसने सर्च इंजन पे फोकस किया, अब फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग पे फोकस किया। अब जब बढ़ जाते हो ना आपका होराइजन और कैनवस, कैनवस बढ़ने का मतलब है आपके साथ बेतहाशा हाथ आ जाते हैं। अभी ऊपर किसी ने सवाल पूछा था कि आपकी सारे काम कैसे जानते हैं, मैं इसलिए जानता हूँ, सारे तो नहीं जानता, जितनी अकल है उतनी जानता हूँ, जिनका मैंने इतना एक्सपीरियंस किया, इसलिए कि ये मेरी कंपनी में ये काम हो रहा है। समझ लो जैसे फेसबुक है, अब वो मार्केट प्लेस भी चला रहा है, क्लासिफाइड भी चला रहा है, कल वो क्रिप्टो भी चलाएगा लिब्रा, फिर वो डेटिंग साइट भी बना रहा है जी, फिर वो मैच मेकिंग भी कर रहा है, फिर वो कनेक्टिविटी भी कर रहा है, फिर वो बिजनेस के लिए पेज भी बनवा रहा है। गुजारिश ये है, जब आपका कैनवस बड़ा हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास लोग आ जाते हैं और आप एक्सपेंड कर जाते हैं अपनी बिजनेस सर्विसेज को। अभी के लिए
अगर आपने कामयाब होना है तो एक स्किल का बाजू पकड़ लो, उस स्किल में सुबह शाम काम करो। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में 1998, जब आप में से शायद कुछ पैदा भी नहीं होंगे, रोए होंगे तो बहुत छोटे होंगे, भाई मैंने पकड़ ली थी। मेरा सारा खानदान फौजी है, ये सारे मेरे से लड़ते थे, मतलब मेरा वालिद, मेरा भाई, मेरा चचा, मेरा ताया, पूरा खानदान फौजी है, सिर्फ एक मैं बागी, क्योंकि मैं इंस्पायर होता था। मैंने कल एक वीडियो अपलोड कीजिए, 14 साल बच्चे की, जो कि इंडियन कैनेडियन बच्चा है, मेरी प्रोफाइल पे भी है और मेरे पेज पे भी है। आई वॉज यू नो टॉकिंग टू माई डॉटर, शी इज माशाल्लाह 14 नाउ। मैंने कहा दादी से जाके पूछना, क्यों हम थोड़ा यू नो वालदा चीज पंजाबी पठान, तो हम उनको दादी नहीं ये बच्चे बोलते, ये दाजी बोलते हैं। तो मैंने कहा जाके दाजी से पूछना ये वीडियो दिखा के अपने मोबाइल पे कि बाबा ऐसे थे। तो ये गई, इसने अपनी दादी को वो वीडियो दिखाई, वो कहती है कि आपको किसकी याद आई ना, उसकी दादी ने फौरन बोला तेरे बाबा की। उनका कैसे, कहती बस वो भी ऐसे ही अजीब अजीब बातें करता था, कंप्यूटर में ये होता है, कंप्यूटर में वो होता है। आई वॉज 14 वेन आई रोट माई फर्स्ट प्रोग्राम विच वुड कॉपी द गेम फ्रॉम एन एक्सटर्नल कैसेट ड्राइव इन टू द हार्ड डिस्क ऑफ कॉमोडोर 64। कॉमोडोर 64 के अंदर इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती थी, सो एक्सटर्नल कैसेट्स लगती थी, एंड देन लेटर ऑन कैसेट्स वर रिप्लेस्ड बाय द फ्लॉपी डिस्क। कॉमोडोर 64 और 128 में सिर्फ गेम्स खेली जाती थी, तो वो एक बड़ा मरहला होता था कि कॉपियर जो होते थे वो दे वर लाइक पाकिस्तान गवर्नमेंट, वेरी स्लो। तो इतना रेड टेपरिज्म किसके पास टाइम है जी। तो मैं हम लोग क्या करते थे, मुझे याद है, क्योंकि हम चार लड़के थे, कोई बहन नहीं थी, तो वी यूज टू प्ले इनडोर क्रिकेट ना, तो वो गेम कॉपियर लगा देते थे, इट वुड टेक अराउंड 5 to 10 minutes, और हम दो दो ओवर की गेम लगाते थे पिंग पोंग से, जो इम्तिहान वाला गत्ता नहीं होता जिसपे पर्चा रख के लिखते हैं। तो मैं चूंकि FG में पढ़ा हूँ सारी उम्र, अबू की पोस्टिंग्स होती थी एक शहर से दूसरे शहर, तो वही हमें लेके जाने पड़ते थे। तो मैं और मेरा छोटा भाई साथ क्रिकेट खेल लेते थे जी, और तब तक गेम कॉपी नहीं होती थी। एंड देन आई थॉट कि यार ये थोड़ा बेहतर हो जाना चाहिए। मैंने अपने बड़े भाई को रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा भैया मुझे ये ला दें इसकी रीडिंग मैनुअल, कि ये मैं सीखना चाहता हूँ इसकी प्रोग्रामिंग ना, ये जो जो गेम खेली जा रही है ये कैसे होती है। इमेजिन अ 14 ईयर गाय इन नाइन्थ ग्रेड, मैट्रिक भी नहीं थी, और उसको शौक क्या है, वो सीखना चाहता कि ये ग्राफिक्स पिक्सल्स बने कैसे हैं। एंड आई लर्न्ड इट, मैंने उन पेजेस को पढ़ा, मैंने उन पेजेस को इतना पढ़ा कि मुझे याद है आई वॉज एक्चुअली गिवन अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम वन फाइन मॉर्निंग अराउंड 4 AM, एंड डैड जस्ट bumped into my room और गुस्से में कि क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्या कंप्यूटर, he thought कि I would be playing a game, और वो हैरान हुए कि मैं एक किताब खोल के बैठा हूँ और मैं को आधे सफ़े खोल लिया, वो किताब भी कोई 400-500 पेजेस की। तो before he could you know cut loose, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो ना। मैंने कहा जी मैं ये प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ इसकी, एंड उसके बाद मुझे नहीं कोई यू नो ऑपोजिशन मिली, क्योंकि अगर भाइयों की तरफ से भी होती थी तो मुझे स्पेसिफिक टाइम दिया जाता था कंप्यूटर्स के साथ खेलने का, बिकॉज माय डैड गेव माय ब्रदर्स इंस्ट्रक्शन कि ये कंप्यूटर के साथ कुछ करना चाहता है। मैंने रात को 4 बजे नमाज के लिए उठा तो ये पढ़ रहा था, इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीख रहा था, एंड देन आई रोट द प्रोग्राम। नॉट ओनली आई रोट द प्रोग्राम, बल्कि भैया ने उसको मार्केट में बेचा भी, and we made a little dime out of it, and I was just 14. So that's my story. Aaj ki story se inspire hona bahut achhi baat hai, but wo jo Greek hota na aapke andar computer ka, jo aapko spoon se nahi sone deta, wo built in hai ji. Focus kiya hua tha ek cheez pe ki maine computer ke sath kuch karna hai, aur phir jab aaya na tablet, to main kyunki back bencher tha, sari umar class mein baith ke main sketches banata tha ji, to wo tablet aayi to अबू लेके आए मेरे लिए, क्योंकि उनको पता था इसको शौक है। वो IBM था हमारे पास, मुझे उसका सही नाम नहीं याद, IBM था वो मशीन, उस पर मैंने विंडोज 98 थी, नहीं सॉरी 97 थी, तो मैंने उसको डिजाइन बनाया फोटोशॉप में, उसको लेके गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद मैंने फोटोशॉप के अलावा कुछ देखा ही नहीं, अगले 7-8 साल सिर्फ फोटोशॉप पे ही फोकस रहा,
और फिर फोटोशॉप से बाहर निकला, जब पैसे थोड़े कमा लिए, कुछ लोग हायर कर लिए, तो फिर मैंने 3D सीखी जी, मैंने कंबशन सीखा, मैंने 3D स्टूडियो मैक्स सीखा, मैंने माया सीखा जी, मैंने स्विफ्ट 3D सीखा जी, और मैंने थोड़ा बहुत ऑटो कैड सीखा, मैंने कल बताया आप लोगों को। एंड देन फिर जब और काम आना शुरू किया, बिजनेस डेवलपमेंट टीम हायर की, तो वर्डप्रेस की और मजेंटो, शॉपिफाई, वू कॉमर्स, ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सीखना शुरू किए। I'm a reader, I love reading and I love learning new things. अभी आपने देखा, मैं भूल गया था कि मैं लाइव हूँ, और मैंने ये जो एम्प की बात हो रही थी, मैंने वो देखा गूगल की, और फिर मैं गया अपने डायरेक्टर को, मैंने सीधा ईमेल की, मैंने कहा इसको पढ़ो, अपनी टीम को लगाओ, और फिर मुझे बताओ ये क्या बुला है। सो लर्निंग तो बात की बात है, फोकस आप उस चीज पे करें जिस पे आप 2-3 साल ल्यूक्रेटिव अप्रोच मिले और आप उससे पैसे कमा सकें। इससे ज्यादा डिटेल का जवाब मैंने आज तक वैसे किसी को नहीं दिया। हनान, अगर अभी भी तुम नाना शर्म ना नहीं शर्म शर्म पे मैं भी थोड़ी देर करता हूँ, अगर अभी भी तुम नाना काम कर सको तो बहुत बड़ी शर्म की बात जी। बहुत शुक्रिया शानी साहब, ये सुबह मुझे खुद ही बताएंगे क्या होती है एम्प। सर व्हाट इट्स फाइवर बेस्ट फॉर बिगिनर? सर फाइवर बेस्ट, यस ग्रेट सर, ओके थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल अपवर्क का ब्लॉग बुक मार्क कर लीजिए जी। नहीं जी, अब तो हम ग्राफिक वेब डेवलपमेंट और अब तो बीइंग गुरु का एक अलग हेड हो गया जी। सर ने काट काट का पानी भी यार, एक वक्त था इकबाल, मैं आपको बताऊं, बड़ा खुददार आदमी था, असूल वाला। आई यूज टू स्मोक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और वहां से एक दोस्त की वजह से आदत पड़ गई, और वो आज तक मेरा दोस्त है। तो मैं नहीं अबू से मांग सकता था ना पैसे, मुझे अजीब सा लगता था, शर्म आती थी। हालांकि ये नहीं कि उन्होंने कभी मना किया, बस मुझे शर्म आती थी शुरू से, आज तक भी यही मामला, नहीं मांगे जाते। तो मैं 2-2 किलोमीटर उसके घर पैदल वॉक करके जाता था, पैसे नहीं होते थे सुजुकी का किराया देने के, और स्टाफ कार अब्बा जी ने अपने लिए रखी हुई थी, वो देते नहीं थे किसी को, क्योंकि बहुत असूल वाले थे वो। वो कहते थे जो मेरी सरकारी चीज़ है वो सरकारी है, प्राइवेट है गाड़ी सीखो चलाओ। अब गाड़ी जो बड़े भाई नहीं देते थे, तो मैं 2-2 किलोमीटर पैदल वॉक करके जाता था उसके घर, सिर्फ गोल्ड लीफ का सिगरेट पीना। मैं कोई इंस्पायर नहीं करा, I quit smoking, which been a long time, फजूल काम है दुनिया का, नाउ आई रिग्रेट कि मैंने किया कि अपनी जिंदगी के साथ, पर घाट घाट का तो पानी पिया जी। जी तन्मय बख्शी साहब, नहीं बख्शी तमने है एक्चुअली, तमने बख्शी नहीं, तमने तन्मय नहीं होगा ये, तमने था कल मैंने जब देखा था, ये था मेरे ख्याल में तो, हाँ यही है तमने, अच्छा नहीं इज राइट तमने ही है, कल मैं इसको देख रहा था। करो इसको गूगल, बहुत मिट्टी वाला फिल्टर, इधर क्यों बताऊं मैं आप लोगों को, पहले मैं उसको खुद ना, तो रिप मेरी वापस आई है, इंशाल्लाह मैं इसको फिर तजर्बा करूंगा और पॉलिश करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। कुछ सीखने को मिला दोस्तों से आए, और नहीं भी मिला तो तब भी खुली इजाजत है। आपको पता है जमहूरियत है, मैं बिल्कुल अपोजिशन बर्दाश्त करने वाला आदमी हूँ, ताकि मुझे भी अगर पता लगे कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो मैं कल उसको इम्प्रूव करूँ। सिखाना ही मकसद है ना आप लोगों को, कुछ समझ लगी मेरे तरीका वारदात जो मैंने बिडिंग में की है। ये किधर मैं पहुंच गया भाई, ये कौन सा पेज है? अच्छा ये वो रिक्वेस्ट वाला पेज है जी, मैकेनिकल डायग्राम। Logos, good, that's nice. चलो अच्छी बात है, क्या मूवी, मुझे क्या पता मेरे भाई। नहीं फ्रीलांसिंग के लिए एजुकेशन मस्ट नहीं है दोस्त, फ्रीलांसिंग के लिए स्किल सीखना जरूरी है, और उससे ज्यादा भी जरूरी है कि आपको बोलने का तरीका है, कम्युनिकेशन करना भी बहुत जरूरी है जी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है जी। मिसाल के तौर पे आपकी इंग्लिश
थोड़ी कमजोर है, इट्स ओके, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करें, कुछ हेल्प लें फॉरन, जैसे ये जी विजिट है इसको इंस्टॉल कर लो, ये विजिट आपको खुद ही मसाइल हल कर लेगा जिंदगी में जितने भी, जैसे मैं बिट कर रहा था जितने भी गलतियां थी खुद ही मुझे ठीक कर रहा था, मुझे कोई परेशानी नहीं पड़ी। अच्छा जी, कोई और? आई बी देयर फॉर लास्ट 5 मिनट्स और मैं 6 मिनट्स 2:20 पे चला जाऊंगा, अगर कोई है तो बताओ, कोई अच्छा सा सवाल है तो जवाब देने में मजा भी आए। यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट नाउ। बिडिंग वीडियो एनिमेशन पे भी कर दूं, चलो देख लेते हैं, वीडियो एनिमेशन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट ही नहीं है यार, प्रोजेक्ट से ज्यादा पता क्या है, आई विल स्टॉप हियर, मेरा दिल नहीं है प्रोजेक्ट से ज्यादा मसला दिल का है, पर वादा रहा कल कर दूंगा, अच्छा मिले तो देख लेता हूँ इस पेज पे। ये इसराइली इतने खबीस है ना, $250 दे के इसने 8 मिनट की पूरी 2D वीडियो कह रहा है, उसको इसने एडसेंस से मोनेटाइज करना है, इनका वैसे ही नेटवर्क इतना तगड़ा होता है कि पैसे ही पैसे। नहीं यार अभी नहीं चलता, चले शनी भाई जरूर, क्यों नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे जी। बिल्डिंग राइटिंग में थी जी, चले बस अब 2:20 हो गए, मैं अभी जा रहा हूँ, थक गया हूँ, वैसे इतनी देर बैठा भी नहीं जाता सिर्फ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने का, बर्दाश्त करने का, समझने का, बट ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अंदर इनर इंट्यूशन और गट फीलिंग पैदा करें, एक प्रोजेक्ट को देख के आपको सेंस हो जाना चाहिए कि इस पर बिट करनी है कि नहीं करनी है, वो तभी होगी जब आपका तजर्बा होगा, जितनी बिट करोगे उतना ही तजर्बा होगा। हिम्मत नहीं आ रही, मुझे एक दिन जवाब नहीं आएगा कोई बात नहीं, अगर कल मुझे जवाब ना आया मैं फिर बिट करूंगा, परसों ना आया फिर करूंगा, करता रहूंगा, कैसे हो सकता जवाब ना आए, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाऊँ, मैं हिम्मत नहीं हारनी। मजदूर जब सुबह घर से निकलता है कोई गारंटी नहीं है कि वो इतना हैवी इक्विपमेंट लेके, बेलचा सब चीजें लेके धूप में बैठता है काम की तलाश में, सम डेज आर गुड सम डेज आर नॉट सो गुड, एन मुमकिन है कि वो घर खाली हाथ वापस आए, एन मुमकिन है उसके बच्चे खुदा ना खास्ता भूखे सोते हों, पर क्या करें, इसी को तो लाइफ कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो घर से निकले ही तो निकलते ही उसको कोई पकड़ ले और कहे कि यार मेरा ये काम है, ये दिहाड़ी है आज के दिन की, ये मेरा मसला हल कर दो घर का, कुछ भी हो सकता है, ये सब नसीब की गेम है, पर नसीब भी उन्हीं को मिलता है, याद रखना, जो शो अप करते हैं। अगर आप लाइन में ही नहीं खड़े हो रहे काम लेने के लिए तो फिर नसीब को कोसना, हालात को कोसना बुजदिलों वाली हरकत, शो अप डेली, दैट्स व्हाट फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट, यू आर अ डिजिटल मजदूर, ये टर्म मेरी पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई है, आप सबको पता है। अगर आप लाइन में नहीं खड़े होंगे, काम की तलाश में नहीं निकलेंगे, या ये सोच के गिव अप कर देंगे कि मुझे तो काम मिलेगा नहीं, मैं तो नया हूँ, या बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो एवरी मास्टर वॉज वंस अ बिगिनर। हिम्मत करो, हिम्मत करो, और मुसलमान वैसे ही मुसीबत में घबराया नहीं करता, कायद का पैगाम है। सो आई रियली वुड यू नो लीव यू गाइस हियर विद ऑल दिस, होपफुली सी यू गाइस टुमारो, but
अगर कोई जवाब आया तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।